गाइस वेलकम बैक, क्या हाल चाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में हमें एक वेपन मिला है जिसका नाम है सुपरनोमा। फिलहाल वो वेपन भाई अमेजिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पक्का नहीं बोलूंगा, बट फिलहाल मैं उसको लेकर के तो आ चुका हूँ। बताया ये गया था मेरे को, ट्रेवर के पापा ने उसको बनाया, लेक्सिस इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी थी अपने, मेरे डेविड ने मेरे को यही बातें बोली थी, और एंड मैं मतलब लास्ट में मैं डेविड को बचा के लेकर के आ चुका हूँ अपने दुश्मनों के पास से। तो देखना ये कि डेविड कब तक मेरे को यूज करेगा। वैसे अब की बार मैं उसको यूज करने वाला हूँ, अब की बार डेविड को जल्दी बेहो को बनाऊंगा बहुत अच्छे वाला। देखना है बस अब वो क्या क्या मेरे पे प्लान बना करके आया है। पहले सुपरनोवा के बारे में उसने मेरे को बताया, मैं उसको लेकर के आ गया। फिलहाल भाई देखो, लेकर के तो मैं वेपन को आ चुका हूँ, बट सुपरनोवा वेपन जो है ना, मिसाइल जैसा लगता है आपको। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो उसको देख लीजिए भाई, लास्ट एपिसोड में वो आया था, मैंने उसको ले लिया। दिखने में बिल्कुल सेम मिसाइल की तरह लगता है, बट उसको चेक नहीं कर पाया मैं अभी तक कि आखिर वो कैसा वेपन है, कैसे यूज करना है, फटेगा क्या होगा, कितना उसमें मतलब पावर है, कितना दूर तक डैमेज उसका जाएगा। अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई नहीं है। मैंने टेस्टर जी को लगा के रखा है, मैंने अपने मेरी वेदर वाले बंदे को भी लगा करके रखा हुआ है, काफ़ी बंदे लगे हुए उसको चेक करने, बट अभी तक किसी को पता ही नहीं लग पाया कि आखिर उसको यूज़ ही कैसे करना है। जो भी है देखो भाई, कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा, बट पॉइंट यही है कि अभी डेविड पता नहीं और भी क्या क्या छुपाए बैठा हुआ है। बट कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे काम अभी करने हैं। मैंने आपको बोला था ना इस एपिसोड में डेविड उल्टे सीधे काम भी कर सकता है, तो देखते भाई अभी क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एंड जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया, मैंने आपको सेकंड चैनल पर जो एपिसोड आया था, इस एपिसोड के बारे में आपको पहले ही बताया था कि मैंने बहुत टाइम से प्रोजेक्ट चलवा करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा था यार कि ट्रेवर का घर जो है वो आम घर है, मानता हूँ चलो सोने का है, बट है तो छोटा ही ना, तो मैंने सोचा क्यों ना बहुत बड़ा घर बना दिया जाए ट्रेवर का, जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी इतना बड़ा घर ना हो। फिलहाल भाई मैंने सोचा दम लगाते हैं, देखते कोशिश करते क्या होता, बन जाए। काफ़ी काम उसमें हो चुका है, बट काफ़ी अभी वो नहीं भी हुआ देखा जाए तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, क्या क्या नहीं हुई, एंड टोटल टाइम कितना लगने वाला है इसको पूरा कंप्लीट होने में, अगर कोई प्रॉब्लम ना करे हमारा दुश्मन। देखो ये प्रोजेक्ट थोड़ा पहले चला हुआ था, इसलिए मैं इसको रोक नहीं सकता था, क्योंकि अभी दुश्मन एकदम से ज़्यादा आ गए तो अब दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो अगर मैंने अब काम रोका तब भी नुकसान, ना रोका तब भी नुकसान। अगर पहले से ही ये नहीं बनता मेंशन तो मैं इसको अब नहीं बनवाता, क्योंकि अभी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, बट ये पहले से बना हुआ था तो मैं इसको रोक नहीं सकता भाई। बस काश कोई दुश्मन जाके पंगा ना करे वहां पर। चलो ठीक है, गेम को शुरू करते हैं, देखते हैं आज किस बंदे को हम परेशान करें। अपना ड्राइवर भाई आ चुका है अपनी कार को लेकर के। फिलहाल अभी मैं टनल के अंदर जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बंदों से मिलने के लिए आया हूँ, कुछ बंदों से जिनको मैं यही बोलने वाला हूँ कि मेरे को दुनिया के हर एक कोने से अमेजिंग साइंटिस्ट चाहिए जो इस वेपन को समझ सके। देखते कोई ना कोई तो जरूर समझेगा, दुनिया में कोई ना कोई तो इतना टैलेंटेड बंदा भाई हो गई जो रॉबर्ट फिलिप्स के इस एक्सपेरिमेंट को समझ सके एंड हमें बता सके इसको यूज कैसे करना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। एक बार कोई बंदा मिल जाए तो देख लेंगे जैसा भी होगा। फिर बाद में मैं पहुंच चुका हूँ बंदों के पास में, ऑलरेडी पैसा पहुंचा दिया गया इनके पास, जैसे कि आप देख रहे हो इनके लिए ये मेरे बंदे छोड़ कर गए हैं। हेलो भाई, ये तो तुम्हारे पास पैसा आ चुका है, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से तुम लाओगे, क्या करोगे, ऐसा साइंटिस्ट चाहिए जो सभी चीज़ को पढ़ के बता सके, उस पूरे वेपन को रिसर्च करके बता सके वो कैसा है, कब बना था, क्या पावर है, समझ रहे हो ना। जिस मतलब जितनी तारीफ मैंने उसके बारे में सुनी है उसमें कुछ दम है भी नहीं, मेरे को जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैसा सब कुछ तुम्हारा होने वाला थोड़ी देर में। बंदों को मैंने बोल दिया सारी बातें, बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर सर चिंता मत कीजिए, आपने बोल दिया पैसा हमें दिख भी रहा है सामने, इतना सारा सोना है, चिंता मत कीजिए, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट ढूंढ के लाएंगे पूरी दुनिया से कि आपको काम आराम से हो जाएगा। मैंने बोला बहुत सही है भाई, क्योंकि देखो यार दुनिया बहुत बड़ी है, एक से एक साइंटिस्ट पड़े हुए दुनिया में, ढूंढने की कमी है, बहुत बार तो ढूंढने की जरूरत भी नहीं होती, वो खुद ही साइंटिस्ट फेमस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जितने फेमस साइंटिस्ट हैं उनको पकड़ के लेके आएंगे। जितने बंदे साइंटिस्ट छुप के रहते हैं जिनको अलग ही एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है चुपचाप दुनिया से दूर रहकर अपनी एक सीक्रेट लैब में, बहुत से इस टाइप के बंदे भी होते हैं जो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, अंदर अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बट वो बहुत दिमाग वाले होते हैं, तो उन टाइप के बंदों को भी ढूंढेंगे लाएंगे, सभी को ढूंढ के बस जो कोई भी काम करते मज़ा आ जाएगा। अब करते हैं मुद्दे की बात भाई, इस एपिसोड में मैंने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है दी रॉयल्स का एंड करने के लिए, वो भी किसके हाथ हो, अपने प्यारे हेल के हाथ हो। देखो हेल को मारने से पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैंने आपको एक दो एपिसोड पहले बोला था कि मैं मतलब रॉयल्स का दी एंड करूँगा एंड हेल को यूज़ करूँगा इन बंदों को सभी ख़त्म करने में, तो मेरी पूरी कोशिश है भाई इसमें रॉयल्स को मारना, एंड इसमें अगर सारे रॉयल्स खत्म हो जाएंगे तो अगले में फिर मैं ड्रैकुला को मारूंगा। मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना ली है बंदों की, हर एपिसोड में मैं एक बंदा ज़रूर मारने वाला हूँ चाहे वो कोई भी हो। आज हेल से हम रॉयल्स को मरवाएंगे, अगले में ड्रैकुला को मरवाएंगे, उसके अगले में फिर बाकी और डॉक्टर स्टार वगैरह उनको मरवाएंगे, मतलब देखा जाए मैं सभी बंदों को फटाफट से सारों को मरवाने वाला हूँ बड़ी ही स्पीड से, मज़ा आएगा भी आपको देखने में, क्योंकि फटाफट से विलन मरेंगे एंड हेल बनेगा बेवकूफ़, और हेल उनको मार भी सकता है, वो काफ़ी पावरफुल है। प्लान बनाने के लिए निकलता हूँ, बंदों का फोन आया मेरे पास से बिल्डिंग वाले बंदों का,
मैंने बोल रखे रखा है ऑलरेडी, ये प्लान भाई 5 दिन से बन के रखा हुआ है। जिस दिन हेल की मैंने पावर देखी थी मैंने तभी प्लान बना लिया था, मैंने आपको बोला भी था कि इसको यूज करेंगे बंदों को मारने में। मैं अपनी बिल्डिंग पर पहुंच चुका हूं, सारे के सारे बंदे मैंने यहीं पर बुला कर रखे, तो देखते हैं भाई कौन सा बंदा कितने जल्दी से क्या प्लान बना के लेकर के आया है। जैसे भी है जो भी है इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। प्लान बड़ा ही सिंपल है भाई, जो मैंने इनको बोला था अगर इन बंदों ने वही बिल्कुल सारी चीज़ फॉलो करी होगी तो मज़ा आ जाएगा भाई सारे के सारे काम करने में। बड़ा ही सिंपल प्लान है, आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को। तो फिलहाल एक बार मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर मैं आपको छोटा सा प्लान बताऊंगा। एंड आपको बताइए, हेल्थ तो दिमाग का वैसे ही कमज़ोर है, उसको गुस्सा आता है तो क्या करता है वो आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा, जब रॉकी एंड डॉगी को उसने मारा था नमूने ने, रॉकी डॉगी वाला हेल्थ 50 वाला एपिसोड देख लीजिए, जब वो गुस्सा उसको आता है नमूने को तो देखता नहीं आगे पीछे कौन है, वो ख़त्म कर देता है। ये चीज़ मैंने देखी थी, अबे टकलू हट जा भाई, रास्ते में कोई खड़ा होता है उल्टे काम कर रहा है, इतने सारे बंदे लेकर के आ गया। इन्फॉर्मेशन पता है मैंने किसको निकालने के लिए दी थी, सारा प्लान बनाने के लिए, कौन नमूना है सामने, आप समझ सकते हो पूरे GTA में एक ही बंदा फेमस है। नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे। हेलो मेरे प्यारे भाई, अरे आज तो कहीं पर निकल गया, लगता है वॉशरूम में तो नहीं चला गया। हेलो नमूना, तुम्हारा बॉस कहाँ है, ये हसमुख कहाँ पर है? मेरा आइडिया बिल्कुल सही था, वॉशरूम में पीछे की तरफ है, चलिए उसको जाने दो। प्लान मैंने सुन लिया, बंदे बोल रहे ट्रेयर सर लोकेशन आ गई है, जल्दी से निकलिए इससे पहले डेबी वहाँ से भाग जाए। तो फिलहाल भाई अभी मैं आपको पूरा प्लान बताता हूँ, बड़ा सिंपल ही प्लान है। डेबी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ये सीढ़ी से ट्रेयर ब्रो क्या कर रहा है। तो फिलहाल डेबी एक जगह पर लोकेशन मिली है, जब मैं सीधी सी बात है बिल्डिंग पर अटैक कर दूंगा, मतलब जहाँ पर भी डेबी रुकी हुई है तो मतलब आराम से वहाँ से भागेगी। एंड भागने के लिए उसको सीधी सी बात है वहाँ पर मिलेगी सिर्फ मेरी कार, क्योंकि आसपास की बाकी सारी गाड़ियाँ मैं चोरी करवा लूँगा या फिर वहाँ पर जितनी भी कार्स होगी मैं ब्लास्ट करवा दूँगा अपने बंदों को बोल करके। एक सेकंड ट्रेवर यार बदतमीजी कभी भी कर देता है, सीढ़ी तो पकड़ता नहीं, एक घंटे से दिखा रहा था मैं तेरे को, चलिए छोड़िए इसको। तो पॉइंट यही है, जब वो मेरी कार को लेकर के भागेगी तो आएगा असली मज़ा। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे बंदों को मैं पहुँचाता हूँ, मैं आपको धीरे धीरे पूरा डिटेल में प्लान बता दूंगा। फिलहाल मैंने इतना बता दिया कि मेरे को बस घर पर जाना है जहाँ पर डेबी है, वहाँ पर उसके बंदों को मारना है जिससे डेबी भागेगी, और भागने के बाद उसको सिर्फ मेरी कार मिलेगी भागने के लिए। मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ एंड भाई मैंने वेरीफाई करवा लिया, मेरे बंदों ने सारा काम कर दिया है, जो आसपास में कार खड़ी थी उनको वो ले गए, ताकि मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर की तरफ खड़ी कर दी है ताकि यहाँ से टैबी उनको लेकर के ना जा सके। जो भी उसकी कार थी वो भी यहाँ से शिफ्ट कर दी, एक दो ट्रक भी यहाँ पर खड़े थे वो सब शिफ्ट कर दिया, हमने किसी को पता नहीं लगा क्योंकि बंदे अंदर की तरफ है और चीज़ें पार्किंग में खड़ी हुई थी बाहर की तरफ वगैरह वगैरह, तो पता नहीं लग पाया। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर थी भी नहीं, मुश्किल से 3-4 कार थी, एक ट्रक था बस, ज़्यादा व्हीकल्स थे ही नहीं। अब आराम से जाऊँगा मैं अंदर, अब तोड़ूंगा बंदों को। डेबी पीछे की तरफ ही है, मीटिंग कर रही है कुछ बंदों से, हमने पता लगवा लिया है, बस सिंपल प्लान है भाई, बस ये वर्क कर जाए। बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात है, डेबी ज़रूर यहाँ से निकलेगी क्योंकि उसको पता है ट्रैवल को ख़त्म कर देगा, काफ़ी दिन से गायब थी नहीं। तो फिलहाल पॉइंट कहने की ये बात है, अब यहाँ पर डेबी चाची मेरे गैरेज से भागेगी, अब इसको अपनी मौत का डर है भाई क्योंकि उसको पता है ट्रैवल देखते उसको जान से मारेगा, तो डेबी भैया जी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। एक कहाँ जा रहा है चाचा जम्मू ले बेटे, एक सेकंड तो फिलहाल भाई देखो मेरे को 2-4 बंदों को तो मारना ही पड़ेगा। एंड सॉरी सर का डेबी क्या चल रही है, डेबी भाई मेरे को दिख गई है कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है, सीधा कर दो तो फिलहाल भाई सो मेरी गाड़ी को लेकर के जाने दो। फिलहाल देखो ये आसपास भागेगी, अपनी गाड़ी ढूंढेगी एंड उसके बाद में सिर्फ कोई कार नहीं मिलेगी ना तो 101% मेरी कार लेकर के ही भागेगी, बस मेरा प्लान वहीं पर आधा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद का सब कुछ हेल कर लेगा, बात ही खत्म है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। देखो यार हेल को मजबूर करना है बस के रॉयल्स को मारने के लिए, अभी आप पूरा प्लान समझ ही गए होंगे, डिटेल बताना पड़ेगा, वैसे मेरे को लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बस अब मैं डेबी को किडनैप करवाऊंगा रॉयल्स के हाथों, उसके बाद में हेल के पास मैसेज भिजवा देंगे कि हेल जी तुम्हारी वाइफ को उठा लिया रॉयल्स वाली गैंग ने। एंड आपको पता ही है हेल का कैरेक्टर कैसा है, हेल में बुद्धि जो है बहुत ही कम है, मतलब वैसे तो पावरफुल है बट वो सोच तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हेल्प करेगा रॉयल्स वालों को बहुत ही प्यार से ख़त्म और मेरा काम बन जाएगा पूरा। देखो मैंने हेल्प को मारने के लिए मतलब कि अपने रॉयल्स को ख़त्म करने के लिए ड्रैकुला को बोला था, तो ड्रैकुला ने मुंह उठा के बोला कि ट्रेवर तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक सिस्टम के बंदे हैं तुम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, और आपको बताइए रॉयल्स को मेरे को मारना है क्योंकि उन्होंने मेरे को जान से मारने की कोशिश करी थी, इसलिए दुश्मन को काफ़ी लंबा जिंदा नहीं छोड़ते। आज रॉयल्स का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में ड्रैकुला का एंड करेंगे, उससे अगले एपिसोड में बहुत सारे और ही बंदे उनका भी एंड करेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ हर एक एपिसोड में एक विलन को मार देते हैं क्योंकि विलन इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा, हर एपिसोड में एक को मार देंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो ज़रूरी नहीं कि एक ही एपिसोड में एक बंदा मर जाए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि ये बंदे जो हैं जिनसे लड़ाई हो रही है काफ़ी पावरफुल बंदे हैं, बट फिर भी कोशिश करूँगा कि सच्ची में एक ही मर जाए तो मज़ा आ जाएगा, ना मरा तो कोई बात नहीं भाई दो में मार लेंगे, बट कोशिश यही है कि मारूंगा मैं इसको सभी को क्योंकि मारना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हेल को बेवकूफ़ बना सकते हैं। देखो परमानेंट मैं ये नहीं कह रहा जितने भी एपिसोड आएंगे तो सब में ही मरते चले जाएंगे, 10-15 एपिसोड में लगातार 10-15 विलन मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक मैं हेल को यूज़ कर सकता हूँ
तो तब तक मैं हर एपिसोड में एक बंदे को मरवाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो जब तक हेल को, मतलब अगर हेल को पता लग गया मेरी चालाकी के बारे में तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर ये प्लान फेल हो जाएगा। बट जब तक उसको नहीं पता तब तक उसको हर एपिसोड में यूज करेंगे। चलो ट्रेवर जी बाहर निकलो फटाफट से। मेरा प्लान वर्क किया भाई, अमेजिंग लेवल। फिलहाल मैं कार में ही चाबी छोड़ करके आया था, कार भी अनलॉक की थी, तो डेवी ने देखा ट्रेवर कार ही लेके भाग जाती हूँ क्योंकि ड्राइवर का दिमाग खराब है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने फटाफट से बंदों को फोन करके बोल देता हूँ कि मेरे प्यारे भाई प्लान वर्क किया, डेवी मेरी कार लेकर यहाँ से निकली है। फटाफट से रॉयल्स वाले बंदों को फोन करो और बोलो कि ड्राइवर की कार में इस वक्त आज एक ड्राइवर की बहुत बेस्ट फ्रेंड, अमेजिंग फ्रेंड, जिसके लिए ड्राइवर कुछ भी कर सकता है, वो घूम रही है। अगर तुम लोग उसको पकड़ लोगे तो ड्राइवर ऑटोमेटिक ही मर जाएगा। रॉयल्स के पास हम ऐसा फोन भिजवाएंगे जिससे रॉयल्स वाले बंदे तुरंत डेवी को उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ताकि मेरे को मार सके और हरा सके। उनको थोड़ी पता है कि उल्टा ही काम होने वाला है। मैंने मेरे बंदों को बोल दिया है, मेरे बंदे एक नॉर्मल फर्जी नंबर को यूज़ करेंगे एंड उससे रॉयल्स वाले बंदों को फ़ोन करने वाले हैं, उनका शुभचिंतक बनके कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, ड्राइवर की बेस्ट फ्रेंड को उठा लो, ये वगैरह वगैरह। तो चलिए भाई वेट करते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट, क्योंकि रॉयल्स वाले बंदों को एक्शन लेने में इतना टाइम तो लगेगा ही। देखते डेवी कहाँ पर निकल गई होगी। जो भी है जैसा भी है, मैं कुछ और मंगाता हूँ अपनी लोकल कार। मैंने एक फर्जी कार उठा ली है भाई यहाँ पर आसपास में। तो पॉइंट क्या है यार, कमाल ही हो गया बेचारी डेवी को, तो इतनी तुरंत बंदों ने पकड़ लिया, मैंने सोचा नहीं था, थोड़ा आगे जाकर के उसको पकड़ लिया बंदों ने। मुझे लगता है रॉयल्स वाले आसपास ही घूम रहे होंगे एंड डेवी का इतना खतरनाक बैड लग गया कि बेचारी ज्यादा आगे जा भी नहीं पाई। मैं आगे की तरफ भाई पहुंच चुका हूँ। चलिए फिलहाल मैं भी आपको दिखाता हूँ, डेवी फिलहाल डर गई है, गाड़ी ना तो चला ही ना कुछ करी क्योंकि इसके वेपन नहीं है। ड्राइवर ब्रो फटाफट से बाइनोकुलर निकाल, मैं जरा आपको डिटेल में दिखाता हूँ। डेवी जी बेचारी पकड़ी गई। अरे रे रे रे, गाड़ी चलाने का दम नहीं है क्योंकि गोली चला देंगे बंदे सामने से, रॉयल वाले बंदे सामने से एम करके रखे हुए। फिलहाल अब आएगा असली मजा। तो चलिए भाई इसको किडनैप करके ले जाने दो तो मेरा काम बड़ा ईजी हो जाएगा। देखते हैं फिर क्या होगा, जैसा हमने प्लान सोचा है ऐसा ही होगा या फिर कुछ थोड़ा अलग होगा। देखो भाई, सोचना और प्लान बनाना एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल में उसको देखना होते हुए एक अलग चीज़ है, क्योंकि क्या पता क्या चेंज हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि हमने जो प्लान बनाया बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा ही हो जाए, अगर 2-4% ऊपर नीचे भी होगा तो देखते क्या फ़र्क होगा, क्या चेंजेस होंगे, बाकी तो देख ही लेंगे। हमारी प्यारी डेवी को फाइनली बंदे लेकर के जा चुके हैं, मेरी गाड़ी हो चुकी है फ्री, तो मैंने सोचा अपनी कार को यहाँ से आराम से उठा लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी डेवी को मतलब कार अपनी कार में लेकर गए ना कि मेरी में, मेरी कार यहीं पे खाली खड़ी हुई है। परफेक्ट काम हो गया। तो मैंने फ़ोन भी करवा दिया अपने हैकर्स को, बोल दिया कि तुरंत जल्दी से हेल्प का फ़ोन लगाओ क्योंकि एक मिनट भी लेट मत करना क्योंकि अब आएगा मज़ा। और उसके कान इतने भर देना, उसको ये बोल देना कि तेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है किसने, रॉयल्स ने, किससे कहने पर, ड्राइवर कहने पर, क्योंकि ड्राइवर सिस्टम के लिए काम करता है। उसको थोड़ा भड़काएंगे ये कह करके कि मैंने सारा काम करवाया, ये बोलेंगे बस किसने काम किया सारे सर, रॉयल गैंग ने, क्योंकि ड्राइवर की बहुत चलती है सिस्टम में, सिस्टम के इतना खिलाफ कर दूंगा हेल को कि भाई ये बंदा ही मार देगा मेरे को लगता है। सारा सारा काम मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, की बार बड़े दिन के बाद बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बस काम कर जाए बहुत अच्छे से। फिलहाल चलिए भाई जब तक एक्शन होता है, मेरे पास मेरे प्यारे बंदों का फोन आया है, वो काम बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। चलिए फटाफट से जल्दी से जा करके कर लेते हैं, मेरे को अपना फ्यूचर जानना है भाई। देखो अपनी लाइफ में डार्किंग है, रॉबर्ट फिलिप्स है नहीं है, पक्का नहीं है, क्या पता फ्यूचर में वो भी आ जाए। डेविड है, टेक्नो लास्ट एपिसोड में मर गया था, कत्तू मरेगा वो नमूना, वो मरने वाला नहीं है भाई, बाद में पता लगा बॉडी फेक है। कैसे कैसे यार, पर टेक्नो के एंड डेविड के राज मेरे को शायद से लेकर नेक्स्ट एपिसोड में पता लगने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें उनकी बंदों के बारे में। तो पॉइंट कहने के बाद टेक्नो है, डेविड है, मैंने बता दिया ऑलरेडी इसको, ऊपर थे बहुत और भी बंदे हैं, आज तक जिंदा है, मरा नहीं है नमूना अब तक, और भी बहुत बंदे हैं जितने धीरे धीरे आ रहे हैं ऊपर से जोन एज। बाकी आपको पता है हमारे करंट में कितने सारे विलन, तो इन सभी के बीच में देखो ड्राइवर अकेला है बेचारा। तो मेरे को ना अपना फ्यूचर जानना है कि आखिर फाइनल लड़ाई में होगा क्या। अभी तक तो कोई बंदा लड़ नहीं रहा क्योंकि मुझसे काम निकालना है बंदों को, क्योंकि सब बंदे मेरे इंतजार में बैठे कि अगर ड्राइवर उनका काम कर दे तो ड्राइवर को मार दे। पहुंच चुका हूं भाई मैं माइन में, इस माइन में काफी दिन से मैं खुदाई करवा रहा था क्योंकि डेविड जब भी देखता था मैं यहीं पर आता था बार बार। और आपको पता है डेविड बड़ा खतरनाक और पागल बंदा है और अमेजिंग भी है, क्योंकि वो वहीं पर टाइम वेस्ट करता है जहां पर उसको लगता है यहां पर मेरा टाइम वसूल होगा। डेविड फालतू जगहों पर कभी भी काम नहीं करता, अमेजिंग प्लेयर भैया, जरा जंप लगाइए, ये ऐसी जगह पर फंसोगे, क्यों बेइज्जती करा रहे हो हमारी। तो फिलहाल नीचे निकलते हैं एंड काम करते हैं बहुत ज़्यादा। देखो डेविड अभी मेरे पास में ही है, मैंने उसको जाकर के बोल दिया कि सेफ जगह पर रहना, क्योंकि डेविड को अभी मैं थोड़ा यूज़ में लाऊंगा, क्योंकि देखो आपको पता ही मतलब लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा तो डेविड ने एक इन्फॉर्मेशन तो सही दी मेरे को वेपन के बारे में, रही ड्रैकुला, ड्रैकुला तो अभी खैर उसको शक हुआ नहीं है मेरे ऊपर, अगर हुआ तो फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि डॉक्टर स्टार को मैंने लास्ट एपिसोड में किडनैप किया था, बहुत सारे काम हुए थे। ड्राइवर का ये डायमंड देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल डायमंड नहीं है,
जो मेरे पास मिल जाता है बार बार देखने को, कुछ पैसों बिक जाता है, ये वो नहीं है, स्पेशल डायमंड है ये, देखा जाए तो अलग तरीके की चीज़ है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत दिन पहले इसके बारे में पता लगा था, तो इसमें मैंने खुदाई करवा के रखी थी एंड फाइनली आज खुदाई करने का ये डायमंड ढूंढ निकाला। ये कई हज़ार साल पुराना है भाई, ऐसा बता रहे हैं बंदे। एक राजा का ये था जो उसने उस जमाने पर बनवाया होगा। उसके बाद आपको बताइए, बंदे मर जाते हैं, चीज़ें खो जाती है, खोते खोते कहीं चली जाती है, महल दब जाते हैं नीचे, तो महल में ही चीज़ें दब जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या भरोसा आपके घर के नीचे खजाना दबा हुआ है, किसी को नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं जानता आज से हज़ार साल पहले, आज जहाँ पर हमारा घर है क्या पता वहाँ पर क्या हो, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले वहाँ पर क्या था, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए यहाँ पर यह डायमंड था, बड़ी मुश्किल से खोद करके निकाल लिया है। चलिए इसको उठाता हूँ, तुरंत ले करके निकलता हूँ अपने प्यारे प्यारे गॉड ऑफ फ्यूचर के पास में। पहुँच चुका हूँ भाई मैं गॉड ऑफ फ्यूचर वाले बंदे के टेम्पल में। तो फिलहाल देखो मेरे बंदे आ रहे हैं थोड़ी देर में डायमंड को लेकर के, मैं लेकर के नहीं आया, मेरे बंदे लेकर के आएंगे। जब वो बंदे लेकर के आ जाएंगे तो अंदर चले जाऊँगा मैं, पता करते हैं भाई। देखो डेविड ने अपना फ्यूचर पूछा था, मेरे को याद है, मैंने हेल्प करी थी, मेरे को पता नहीं था तभी सच्चे बंदा असली है नकली, तब तो मैंने सोचा नकली है। बट यार ये बात मेरे को अभी समझ नहीं आती। देखो कुछ तो इस बंदे का सिस्टम है जो सबसे छुपाता है। अब ये लॉजिक सच्ची में सही मारता है, सच्ची में इसमें कुछ पावर्स है, या बंदा बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई। बहुत से दुनिया में ऐसे बाबा मिल जाएंगे आपको, जो आपको हाथ देख के आपका फ्यूचर बताएंगे, जिसमें सारी नॉनसेंस फालतू बातें होती है। तो क्या बताइए उस टाइप का बंदा हो, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं यार। जब डेविड ने ट्राई किया, अपने हेल ने ट्राई किया, हेल ने भी तो अपना फ्यूचर पूछा था आकर के बहुत टाइम पहले, जब इन दोनों ने पूछा तो एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं, देखें तो सही है कि आखिर फ्यूचर क्या है ट्रेवर का। क्या हम जीतेंगे डार्क किंग को मार करके, नहीं जीतेंगे, क्योंकि मेरी नज़रों में सबसे बड़ा विलन भाई इस सीरीज़ का डार्क किंग ही है। जिस दिन वो सामने आएगा आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो बंदा कौन हो सकता है, चलिए आप बताइए। तो फिलहाल चलिए ट्रेवर जी, तो ठीक है भाई चलिए वेट करते हैं। इसकी जगह आप जगह देख रहे हो, और इस जगह को देख के मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर में आ गया मैं। कमाल की जगह बनाई है इसने, अंदर से देखने में अजीब लगती है, बाहर से देखने से पूरी दिख जाती है, ट्रांसपेरेंट है भाई ये बाहर से। फिलहाल डायमंड मेरे बंदे दे करके चले गए थे, मैं डायमंड को इसकी चेयर पर रख दिया है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ इससे एक्सचेंज करनी होती है ना भाई, तो ये उसको इस चेयर पे रखवाता है। पता नहीं क्या इनका वेट चेक करता है, करता क्या है बंदा, बट जो कोई भी है, स्टैचू ने मेरे को 5 मिनट का टाइम दिया है, बोल रहा है कि ट्रेवर ज़रा इंतज़ार करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा पता पता मतलब कि बताया जाएगा रिजल्ट, कि तुम्हें बताना है फ्यूचर नहीं बताना कि तुम्हारे इस डायमंड की कुछ वैल्यू है नहीं है। क्योंकि इस बंदे को भाई वैल्यू वाली चीज़ देनी पड़ती है, अगर इसको लगता है कि इसका फ़ायदा उस चीज़ में, तो तब ये बंदा आगे काम करता है, नहीं तो ये बंदा घास भी नहीं डालता। बहुत अजीब ही आइटम है यार। चलिए जो भी है, वेट करते हैं, देखते हैं फ्यूचर पता लगेगा या नहीं पता लगेगा। कमाल करते हो ट्रेवर, कहां से ढूंढ निकाला तुमने इस डायमंड को, तुम्हें पता भी है किसका है? आज से 2600 साल पहले एक राजा हेक्सो थे, ये उनका डायमंड है। ये डायमंड उन्होंने बनवाया था अपने बहुत सारे मजदूरों से, स्पेशली ये जादू में यूज करते थे वो डायमंड को, काला जादू इससे किया जाता था। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा ट्रेवर, उस वक्त पर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक आम था, उन्होंने उसको यूज किया, और यूज ऐसे तरीके से कर बैठे कि उनकी खुद की एम्पायर ही खत्म हो गई ट्रेवर। उसके बाद वहां पर सब मिट्टी बन गए, बट ये डायमंड ऐसे ही पड़ा रह गया, और आज तक ये ऐसे ही पड़ा था। तुमने इसको ढूंढ निकाला ट्रेवर 2600 साल बाद, बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें अपना फ्यूचर जानना है, मैंने भेंट को एक्सेप्ट किया है ट्रेवर, तुम्हें बताता हूं तुम्हारा कल। तुम्हारी मौत मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही है ट्रेवर, तुम इतने बुरे मरोगे कि पूरी दुनिया में तुमसे बुरी मौत किसी की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तुम किसी को नहीं हरा पाओगे जिससे तुमने अब की बार पंगा लिया ड्राइवर, उन्हीं के हाथों से नहीं मरोगे तुम। तुम मरने वाले हो एक ऐसे इंसान के हाथों जिसके हाथों मरने के बाद तुम्हें रोना आएगा, उनके आंसू रोगे ड्राइवर तुम, और सोचोगे कि काश तुम इन सब चीजों में ना पड़ते। तुम सोचोगे काश डेविड तुम्हारी जिंदगी में ना आता, तुम सोचोगे काश तुमने किया ही ना होता। इंतजार करो ड्राइवर, तुम्हारी मौत जल्द आने वाली है, इससे बचने का कोई तरीका मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, बट तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, अभी वक्त है भाग जाओ, बट मौत तब भी नहीं रुकेगी क्योंकि वो तुम्हारा पीछा करेगी ड्राइवर। डायमंड का नुकसान हो गया भाई, 2600 साल पुराना डायमंड इस नमूने को दिया मैंने, और ये स्टैचू बोलता है कि ट्रेवर मरेगा। अबे नमूने कोई अच्छा ही फ्यूचर बताया था कि मैं दोबारा तेरे पास आ जाता, यार कोई बात होती है यार, बताओ कोई किसी को ऐसा फ्यूचर बताता है क्या? आप किसी के पास भविष्य देखने गए और वो आपको बोलेगा भाई तू तो कटने वाला है, 2 दिन के बाद में बच के मतलब बच जा, नहीं तो मरेगा,
ऐसे थोड़ी होता यार, थोड़ी झूठी तसल्ली दे देता, कुछ तो बोलता, तो मैं हार जाऊंगा इस वाली लड़ाई में यार। बुरा हो गया फिर तो, बहुत ज्यादा बुरा हो गया। तो इसका मतलब किसी के हाथों में मरूंगा, जल्दी से मरूंगा, क्या एंड में मरूंगा जितना मेरे को आइडिया है भाई। तो इसका मतलब इस नो वन कैन किल मी सीरीज में ट्रेवर मर जाएगा। अमेजिंग, मैंने सोचा था इस सीरीज के बाद में कुछ और ढूंढेंगे या फिर कुछ और करेंगे इंटरेस्टिंग, कोई और मिशन अगर मिल जाए तो उसको करेंगे कंटिन्यू, क्या पता कोई और सीरीज मिल जाए, कुछ भी हो सकता है होने को, तो मैंने यही सोचा था। बट अब जब ट्रेवर ही नहीं बचेगा फिर कौन सी सीरीज हो पाएगी भाई, बड़ा बुरा काम फंस गया। तो इसका मतलब ट्रेवर मरेगा, एंड मरने के बाद इसको मतलब दर्द कम होगा, दुख ज़्यादा होगा, रोए गए मरते टाइम, कौन मारेगा यार। चल भाई ट्रेवर जल्दी से निकल यहाँ से, मूड ख़राब कर दिया इसने बहुत ज़्यादा। अभी तक बड़ी खुशी थी हेल को बेवकूफ़ बनाने की, बट इस मतलब फ्यूचर वाले बंदे के पास आके सब बेकार हो गया। मैं वापस आ चुका हूँ भाई, और अभी तक मैं उस बंदे की बात को भूल नहीं पाया, मेरे को अभी तक पूरी की पूरी याद बातें आ रही है, मतलब कि बातें याद आ रही है उस बंदे की, गॉड ऑफ फ्यूचर वाले बंदे की। यार कमाल है यार, झूठा नहीं मतलब झूठ नहीं बोल सकता था क्या उसने, बोला मैं नहीं जीत पाऊंगा इस जंग को, मैं हारूंगा बड़े ही प्यार से। तो यार वापस हो ले, देखो इतना दूर आके वापस होने वाली बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, बट यार जान है तो जहान है, वापस हो ले, मतलब सभी से माफ़ी मांग लेते हैं पीछे हट जाते हैं। बट यार ये चीज़ ना ट्रेवल कैरेक्टर को सूट नहीं करता, पीछे हट जाना मज़ा नहीं आता, जो होगी देखी जाएगी, मरेंगे तो मर जाएंगे बाकी। बट ये इतना पक्का है भाई, मार के ही मरेगा ट्रेवल, अकेला तो ऐसे तो मरने वाला है नहीं, सबको मार के ही मरेगा, इतना दम तो ट्रेवर में है। अब जो भी है जैसा भी है तो फ्यूचर में पता लग ही जाएगा, बट इतना कंफर्म हो चुका भाई ट्रेवर जिंदा नहीं बचने वाला, ट्रेवर जरूर मरेगा। मेरे पास ड्रैकुला का फोन आया भाई, आधी रात को सोता नहीं है, नमूनों का सरदार 2 बज के रखे है, ऐसा कुछ काम वाम तो है नहीं, पता नहीं क्या यार ये, हम तो इतने बिजी रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहा है माउंट सेट पर आ जाओ ट्रेवर, तेरे को खुशखबरी देनी है। पता नहीं अब क्या हो गया भाई, वैसे अच्छी बात है, इसको अब तक मेरा गोल माल का पता नहीं लगा लास्ट एपिसोड वाला, बट पता नहीं क्यों बुला रहा है, मिलते जा करके। कोई मुझे भाई एक बात समझाओ जरा, ये माउंट शिलडी है ना जहाँ पर मेरे को मिलने के लिए बुलाया इस बंदे ने, बड़े भाई दूर से मैंने एक नज़ारा देखा जिसको मतलब जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, माउंट शिलड पर क्या बना डाला इस ड्रैकुला ने, 2 दिन से मैं इससे मिला नहीं हूँ, तो इस नमूने 2 दिन के अंदर क्या बना दिया यार, 2 दिन में कुछ तो बनाया इसने, माउंट शिलड को मतलब कब्जा लिया, कमाल का आइटम है भाई, माउंट शिलड को कब्जा कर बैठा हुआ है, कुछ तो कर दिया इसने यहाँ पर, एक क्या बना डाला इसने, माउंट शिलड पर बेस बना दिया। तो ये भाई तो मेरे को बेस पर मिलने के लिए बुलाया है, क्या अलग लेवल का आइटम है यार। मतलब देखो मानता हूँ सस्ते नशे करो, बट इतने मत करो कि नाम भी भूल जाओ, एंड अमेजिंग लेवल जगह भी भूल जाओ, जगह पे देखो माउंट शेड घूमने की जगह है, बंदे ने बेस बना डाला। सही है यार, मैंने पहले ही बोला है आप सबके स्वैग मैच कर लोगे, बट एक माफिया वाले बंदों का स्वैग मैच नहीं कर पाओगे आप, कैसे कैसे काम चलेंगे भैया इस दुनिया में बताओ। बंदे बेस बना बना के बैठ रहे माउंट शेड पर, बेचारा माउंट शेड भी सोचता होगा अबे नमूने, एक तो मतलब मैंने कॉपीराइट करके रखी है जगह, लोग बाग यहाँ पे आ जाते हैं भूल करके घूमने, अब तो 2-4 ही आते हैं वायरस के चक्कर में, उनको भी नहीं आने दे रहे, बेस ही बना डाला। अरे ड्राइवर भैया इतनी क्यों पी लेते हो, फिसल ही गए, अमेजिंग। तो चलिए फिलहाल भाई ज़रा चेक करने दीजिए मेरे को, बेस तो बड़ा ही भयंकर है यहाँ पे, तो भाई बंदे ने पूरा बहुत लंबे वाला रनवे बना दिया, पूरे बड़े बड़े कार्गो प्लेन खड़े हुए हैं, गार्ड्स खड़े हैं, बेस बड़ा अमेजिंग लगा मेरे को भाई, बहुत बड़ा बेस है सच्ची में, 2 दिन के अंदर बना डाला। अबे क्या करते हो तुम लोग, फूंक मारते हो, जिन ले घूमते हुए साथ में फूंक मारा, रातों रात हो गई सारी चीज़ें, क्या कर रहे हो। अच्छा बोलो फटाफट से भाई, आपका बॉस ड्रैकुला कहाँ पर है, फोन आया था उसका, मतलब बोल रहा है ट्रेवर सर आपका इंतजार कर रहे हैं टावर पर, वहीं पहुँच जाइए, ड्रैकुला सर वहीं पर आपको बुला रहे हैं। तो चलिए भाई टावर में ही है हमारे ड्रैकुला सर, ऊपर निकलते हैं एंड मिलते हैं, देखते हैं ड्रैकुला भैया आखिर बोलना क्या चाहते हैं। टावर में पहुंच चुका हूँ, टावर में जैसे ही आया ना ड्रैकुले, व्हाट इज दिस, एक सेकंड भाई मेरे को पता है ये क्या है, हेलो ड्रैकुला भाई, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, जरा मेरे को थोड़ा डिटेल में समझनी है बातें, जरा बताओगे प्लीज, ये बुक तो मैंने देखी थी उस केव में, ये वही है ना। मैंने ड्रैकुला से बात कर ली, बंदा बोल रहा है ट्रेवर ये वही है, फाइनली हमें बुक मिल गई ट्रेवर, मिल गई। मैंने पूछा कैसे, बोला कि बड़ी मेहनत करी हम लोगों ने, फाइनली डेविड इसको लेके भाग गया, तूने सही बोला था ट्रेवर, पहले देखो मैंने इनको बोला था ना, इनको मेरी बात पे यकीन ही नहीं था, अब इनका बुक मिली था, बोल रहे ट्रेवर तुमने सही बोला था, डेविड के पास ही बुक थी, उसके एक प्राइवेट बंकर को हमने खोद निकाला एंड वहां से बुक हमें मिली, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ बंकर वाली जगह पर, ऐसे से मेरे को बोला। डेविड इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं है जितना ये बोल रहा है मेरे को, डेविड मतलब एक छोटे से बंकर में बुक को रख देगा एंड ये ड्रैकुला चुपचाप जाएगा वहाँ से ले लेगा, नहीं भाई इतना इजी नहीं है,
डेविड के हाथों से बुक ऐसे ही निकालना बहुत इजी तो नहीं है, वो तो मैंने देख लिया, मैंने इतनी कोशिश करी, नमूने ने मुझे तो नहीं दी बुक, इसको मिल गई आराम से। मैंने आपको बोला था ना लास्ट एपिसोड में डेविड अगले एपिसोड में कुछ ऐसा करेगा जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि डेविड खुद ही ड्रैकुला को बुक दे देगा। कोई फर्जी बुक नहीं है, असली बुक है, कि वजह क्या है वो आपको आगे पता लगने वाली है। फिलहाल चलिए इसके साथ चल देते हैं, मैं भी तो देखो आखिर कौन से बंकर से इसको उठा के लेकर आया है, इसका मतलब वो बंकर की इन्फॉर्मेशन भी डेविड ने इन तक पहुँचाई होगी। मुझे तो यही लगता है पूरा पूरा और 100% यकीन है मेरे को, डेविड ने जानबूझ के इन्फॉर्मेशन पहुंचाई ताकि ये बुक वहां से लेकर आ जाए, क्योंकि वो चाहता है बुक सिस्टम वाले बंदों के पास जाए एंड अपने डार्किंग के पास जाए। क्यों चाहता है वो ऐसा? इस बुक के लिए उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है एंड इसको आराम से दे दिया। आओ ड्रैकुला भैया, अब तो मेरे को सब देखना है, लेके चलो। मैं और ड्रैकुला भैया भाई यहाँ से निकल पड़े हैं, शॉर्टकट से जाएंगे। मैंने ड्रैकुला से पूछा आते टाइम, तो ड्रैकुला भैया जी ये बेस कैसे बनाया आपने, क्या वजह है? तो इसने मेरे को बोला ट्रेवर ये 2 दिन पहले रेडी किया है, तुम्हें पता नहीं था क्या? मैंने बोला मैं 2 दिन से यहाँ पे घूम रहा था कुछ प्लान बनाते हुए। तो भाई 2 दिन पहले इन्होंने बनाया है हेलीकॉप्टर की हेल्प से, दरअसल ये पार्ट्स है भाई जो एक दूसरे के ऊपर लगा के रखे हुए हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि सीमेंट वगैरह बेस है, ईंटें लाए फिर सीमेंट से इसको लगाया, वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। नॉर्मल सिंपल तरीके से बस पीस लाए उठाए और जोड़ दिए इनको ला करके। ये टेम्पररी बेस है बोल रहा है ट्रेवर, कोई इतना मजबूत बेस नहीं है, बस यहाँ पर मैं ऐसे ही रह रहा हूँ टेम्पररी, क्योंकि मेरे को ऊंची जगहों पर रहना पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर रह रहा है। बोल रहा है 4-5 दिन में इस बेस को वापस तोड़ देंगे और वापस ले जाएंगे, ये टेम्पररी है परमानेंट नहीं है। चलिए भाई वो तो मैंने देख लिया। ड्रैकुला भाई सर तो नहीं घुमाना, देखो सो सॉरी बट क्या करें, अब हेलीकॉप्टर आपने दिया नहीं, शॉर्टकट से तो ऐसे जाएंगे। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। फिलहाल भाई ये जो जगह है ना, बहुत टाइम पहले शायद से महीना पहले मैं भी यहाँ पर खुदाई करवा रहा था यार, मेरे को तो कद्दू कुछ नहीं मिला था, ये ड्रैकुला को कैसे मिल गया? आओ ड्रैकुला चाचा आओ, चलो चलो चलो। तो यही वो जगह है जहाँ पर डेविड भैया की जगह इनको पता लगी थी, डेविड ने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई होगी मेरे को पक्का कन्फर्म बताया। ऊपर से फिर इन्होंने खुदाई करना शुरू करी तो इनको वोल्ट मिला, इसके अंदर वोल्ट के बंकर है एंड वहीं पर रखी थी बुक। क्या ड्रैकुला बेटे इतना इजी नहीं होता, आजा। बंकर में पहुंच चुका हूँ, ड्रैकुला मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर जैसे हम बंकर में घुसे इसके ऊपर बुक रखी हुई थी, हमने आराम से ले ली। डेविड की किस्मत अच्छी थी ट्रेवर के वो बच गया, नहीं तो मैं उसको भी यहाँ पे मार के जाता। मैंने मन में सोचा कि नमूने तेरा हिंदी में बना दिया उसने, तेरे को बेवकूफ़ बना के उसने बुक जानबूझ के तेरे तक पहुँचाई और तू सोच रहा है तूने मेहनत से इसको ढूंढा है, तो डेविड बुक क्यों दे गया यार? ये नमूना मेरे कभी समझ में नहीं आएगा, उससे मैं पूछ भी नहीं सकता, नमूना झूठ बोलता है ना, कोई फ़ायदा नहीं पूछ करके। एक काम बढ़ता नहीं है ये, मतलब घटता नहीं है, एक मेरे काम बढ़ाता रहता है। ओके ड्रैकुला जी कॉन्ग्रेट्स, तो फाइनली आपको बुक मिल गई। अब कुछ नहीं ड्राइवर, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था तुम आजाद हो, आज के सिस्टम का कुछ लेना देना तुमसे नहीं है एंड तुम भी सिस्टम को देखो अब कोई परेशानी ना करना, अगर तुमने फिर से किसी सिस्टम के बंदे को मारा ड्राइवर तो दिक्कत होगी। अब तुम रूल्स को फॉलो करो, आराम से अपनी माफी को ध्यान दो, बड़े बंदे बनो। अब हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए ड्राइवर, अब हम सारे सारे बंदे यहाँ से एक दो दिन में निकल जाएंगे, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जियो और हम अपनी जिंदगी जियेंगे, क्योंकि हम प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते ट्रेवर, अब तुम जी सकते हो। हमारा एक लौता टारगेट था सिर्फ इस बुक को पाना, फाइनली वो मिल चुकी है ट्रेवर, मजे लो एंड कोई टेंशन नहीं है। अगर फ्यूचर में कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा, नहीं तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला ट्रेवर, बाय ट्रेवर। फाइनली यार अमेजिंग लेवल, ये तो उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा है मेरे को फिर से यूज करेगा, क्योंकि इसने बोला था ट्रेवर 2-3 काम तुमसे और कराने हैं। आज बुक के मिलते इसने एकदम से सब कुछ ही मना कर दिया, बोल रहा है कि ट्रेवर अब कोई चिंता मत करो, अब तुम आज़ाद हो, अपनी लाइफ जियो, सिस्टम अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा और तुम भी मत करना, नहीं तो दिक्कत होगी, रूल मत तोड़ना, बुक लेकर के हम जा रहे हैं। ये तो बात मेरे को पता ही भाई, क्योंकि इनको बुक ही चाहिए थी, बुक मिलते से मेरे को पहले ही बोला था कि बुक मिलते ही सब लोग चले जाएंगे और कभी मेरे को परेशान नहीं करेंगे, इतना ईजी। चलिए यार बढ़िया, तो डेविड ने इसीलिए जानबूझ के सारा काम किया है क्या कि बंदे यहाँ से चले जाए? मैंने गाड़ी ले ली है, गाड़ी लेकर मैं ऊपर की तरफ पहुँच चुका हूँ। फिलहाल अमेजिंग फोन आया भाई, हेल तो पागल हो के रखा है, हेल के ऊपर देखो मैंने ध्यान दिया नहीं, बट ऐसी बात नहीं है, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे बंदे दे रहे हैं मेरे को परमानेंट इन्फॉर्मेशन, बस मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं जरूरी काम करने फिर था 2-4। फिलहाल अभी चलिए हेल को मैं आपको दिखाता हूँ कि हेल नजारे क्या क्या कर रहा है। हेल को दरअसल पता लग गया था जब हमने फोन किया कि उसकी बाइक किडनैप हो चुकी है, कब से लेकर अब तक भाई इतना बुरा बजाने में लग रहा है, सभी बंदों को इतना बुरा बजाने में लग रहा है और रॉयल्स वाले बंदों को, तो बस मैं समझ रहा हूँ मेरे को तो ऐसा लगता है कोई नहीं बच पाएगा, सिंगल बंदा नहीं छोड़ेगा रॉयल्स के, सबको खा जाएगा, पागल बंदा है, काम आ गया। और मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में ड्रैकुला को मरवाने वाला था, बट मुझे लगता नहीं ड्रैकुला मरेगा, नहीं मरेगा यार, ये तो जा रहा है छोड़ करके। मैंने तो सोचा हेल्थ से मैंने सभी बंदों को धीरे धीरे एक एक विलन को रोज मारूंगा, मेरा प्लान तो यहीं फेल हो गया भाई, मैंने तो बड़ी अच्छी प्लानिंग बनाई थी। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, हमारा प्यारा हेल सामने की तरफ ही जा रहा है, मैं शॉर्टकट लेके पीछे से घूम करके आ चुका हूँ, देखो आगे से नहीं आ सकता था, फिर पीछे से घूम करके आया हूँ, तो
क्योंकि अगर इसे मेरे को देख लिया तो सबसे पहले मेरी पिटाई करेगा एंड आपको पता है कर भी देगा यार। और मैं ऐसा भी नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि ये हेल का दिमाग बहुत अजीब है। ऊपर से पावर बहुत सारी है यार इसमें, मेरे को इसकी पावर समझ नहीं है कि इसके अंदर पावर आई कैसे है, कि इसका वाइट हैंड मतलब वाइट हैंड क्यों है इसका ट्रेवर की तरह, क्या वजह है। ट्रेवर का हाथ समझ में आता है, हम लोगों ने एडामेंटियम लेके रखा है, रोबोटिक हाथ है ट्रेवर का, आधी मतलब पूरी बॉडी में एडामेंटियम घुस के रखा है, लोहे टाइप की बॉडी है ट्रेवर की। बट ये वाला हेल नाम का बंदा ये ऐसा क्यों है, इसने भी कोई एक्सपेरिमेंट करके रखा है। अब जो भी है जैसा भी है भाई इसका फॉलो तो मैं कर रहा हूँ, अगर इसे देख लिया ना गलती से बहुत तोड़ेगा। तो फिलहाल चलिए नीचे तक घूम गया है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। एक तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा है कहाँ जाना चाह रहा है हमारा प्यारा हेल चाचा। एक बार हेल बेटे तेरे बारे में कुछ भी लिंक मिल जाए, कुछ भी तेरी कमजोरी पता लग गई ना, उसके बाद तू बच के दिखा मुझसे। बहुत पिटा है भाई इसने मेरे को, आपको पता ये 8 से एपिसोड में उसके अलावा भी दो चार भूसे मारते रहता है मेरे को, तब भूसे का बदला इससे भी लूंगा मैं। ड्रैकुला से तो लेने ही भाई, आप लोगों ने बोला था 46 या 44 भूसे मारे थे मेरे को, डंडे बजाए थे उसने, नहीं मतलब उसके आधे मारे थे, तो आपने बोला था मेरे को डबल मारने 44 या 46, तो ये डंडे तो जरूर मारूंगा मैं ड्रैकुला को जब वो फंसेगा। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, हेल ने तो धूल उठा के रखी है यहाँ पर, गोलियों की आवाज़ आपको आ ही रही होगी। ये सब रॉयल्स के बंदे हैं भाई, रॉयल के बंदे भी शहर में जगह जगह छुप के बैठे हुए हैं। देखो ये काम मैंने सारा इसलिए किया कि मेरे ऊपर सिस्टम वाले बंदे को दिक्कत ना दे, क्योंकि मैं सिस्टम की और हेल के बजवाना चाहता हूँ और ये अकेला बजाए। देखो इससे मेरे दो फायदे हैं, रॉयल्स भी ख़त्म हो जाएगी, हेल की लड़ाई सिस्टम से बच जाएगी एंड हेल सिस्टम को भी मार दे। मेरे तो बड़े फायदे हैं इस काम करने से, बट प्रॉब्लम पता क्या होने वाली है, ये सिस्टम ही वापस जा रही है यार। ड्राइवर आराम से अपनी गाड़ी को ना इन झाड़ियों में छुपा ले भाई, आराम से, बहुत बड़े भाई बड़ी बड़ी झाड़ियों को फायदे होते हैं, गाड़ी दिख नहीं पाने वाली। देखो दिख नहीं रही भाई बिल्कुल भी, अगर इधर से गाड़ी को देखोगे तो ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा, इधर से दिख रही है हमें ऊपर से, बट कोई फ्रंट से देखेगा तो नहीं दिखेगी, हमें दिख लिया देखो ऐसे गाड़ी बिल्कुल नहीं दिख रही। सही है भाई सही है, झाड़ियों के फायदे। ड्राइवर भैया देखो तो सही है अपना प्यारा हेल, ओके हेल भाई सामने लगा हुआ है लड़ाई करने में परफेक्ट तरीके से, मज़ा आएगा। ये बहुत बुरा मारेगा क्यों इससे पंगे ले रहे बंदे, क्योंकि जब तक टैब भी नहीं मिलेगी पिटते रहेंगे। रॉयल्स वाले सोच रहे कि वो मेरी फ्रेंड है और मेरे को परेशान करने के लिए उसको ले गए, बेवकूफ बंदे भाई क्या ही बोले। चलिए अब मज़ा आने वाला है, वेट करता हूँ देखता हूँ यहाँ पे पिटाई करने का हेल कहाँ पर जाएगा इसके आगे। लड़ाई बच के रखे भाई हाईवे पर, वैसे छोटी सी दुनिया काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि वहाँ पे नज़ारा देख के ऐसे ही लगने वाला है, बट मेरे को जा करके उसको ज्वाइन करना है क्योंकि मेरे को कुछ बंदे मिले हैं भाई एंड वो बंदों को मेरी आर्मी तोड़ रही है। मैंने बोला करने के लिए सारा काम वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला था ना ये टेक्नो बहुत चालाक बंदा है, तो टेक्नो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है भाई, देखो वो जिंदा है नमूना भी, तो उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं एंड उसी के बंदों को ढूंढ करके मेरे को निकालना है। अब देखते हो कहाँ पर मिलेगा, कि उसने बहुत परेशान कर दिया, इतने राज छुपा के रखता है, कहाँ पर टक्कर लग गई भाई, चलते चलते रोड पर टक्कर लग रही है, मतलब सामने तो कुछ था भी नहीं, कमाल करती है फरारी। जगह पर पहुँच चुका हूँ, आप नज़ारा देख रहे हो, फिलहाल ये कार्स कहाँ पर आई है आपको बताइए, लॉकडाउन होकर के रखा है, बट ये सारी कार ये नमूनों की है भाई, जो आने वाले बंदे यहाँ पे भर के आए थे, मेरे बंदे दूसरे बंदे, इससे पता लगता है लड़ाई यहाँ पे कम से कम एक तो घंटे से बच के रखी है भाई। और यहाँ पर ज़रूर एलियन गन का यूज़ किया गया है, क्योंकि एलियन गन में ही पावर है इतनी ज़्यादा खतरनाक गाड़ियों ख़त्म करने की, एलियन गन से ही वार चल रहा है भाई यहाँ पर। हेलीकॉप्टर बाकी और व्हीकल्स तो ठीक है, बट यहाँ पर एलियन गन से मारा जा रहा है बहुत बुरा, एंड लड़ाई चलते चलते आगे पहुँच गई है। बंदे कहाँ पर है भाई फिलहाल, जैसे मैं देख पा रहा हूँ लड़ाई फिलहाल करंट में यहाँ पर चल रही है। अरे यार बड़ा वेपन यूज़ मत करो, एलियन गन मत चलाओ, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, बंदे एलियन गन पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं भाई, एलियन गन के बहुत नुकसान होते हैं, आप देखो गाड़ियों का नेता बन गया, बताओ भाई RPG यूज़ कर रहे हैं, एलियन गन यूज़ कर रहे हैं, छोटी मोटी गोलियाँ चला ही नहीं रहे। खैर चलिए भाई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता ज़्यादा बंदे एकदम से आ गए अटैक करने के लिए, तो आप देख रहे हो टेक्नो के इतने सारे बंदे, टेक्नो बहुत चालू बंदा है। चलिए ड्राइवर भैया ऊपर देखे बंदा कैसे गोली चलाया जा रहा है, अभी क्या हो गया नमूने, इतने खुले में देख रहे हो भाई, मिनी गन इसको कहते हैं, मज़े वाली अमेजिंग नज़ारा, आज तक मज़े उठा दिया बहुत बढ़िया, क्योंकि तो लड़ाई थोड़ी और चलने वाली है, वेट करते हैं जब सारा काम पूरा हो जाएगा फिर हम भी निकलेंगे और पता करते हैं इन बंदों से क्या चीज़ है, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं लड़ने की, आर्मी लड़ रही है, मेरा काम है ही नहीं यहाँ पर उतरने का। वो कहते हैं जब काम फ्री में हो जाए तो पैसे देने की जरूरत नहीं होती। काफ़ी लंबी लड़ाई भाई हुई थी, देखो पूरी लड़ाई देखते तो बहुत टाइम खर्च हो जाता है, फिलहाल भाई हमने तो पूरी लड़ाई देखी बट मैंने आपके लिए उसको स्किप कर दिया क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा टाइम खींच जाता वीडियो का। तो मैं आपको बताया तो फिलहाल भाई जैसे लड़ाई खत्म हुई पूरी 15 मिनट के बाद में कुछ बंदे बचे थे जिनको बॉडी शॉट लगे थे, तो बंदों से मैंने पूछताछ करी, कन्फर्म हो गया भाई बंदे ने एटीट्यूड में बोल दिया कि टेक्नो को तो कभी नहीं ढूंढ पाएगा ड्राइवर, और जिस दिन वो मिला ना तो मरेगा, हर बंदे तो मुझे मारना चाहते हैं,
अबे नमूने को ये भी तो बोल दो, जिस दिन वो तेरे को मिलेगा तेरे को सारी बात बताएगा और तेरे से बातें करेगा, जिस दिन वो मिलेगा और आएगा तो तू मरेगा। अरे हो गई है यार, बट पॉइंट ये है कन्फर्म हो चुका है, मरा नहीं है भाई, मरा नहीं है। क्या खेल खेलते हैं बंदे, पहले तो ड्रैकुला को लेकर के जाता है, उसके बाद वो मेरे से हेल्प के लिए फ़ोन करता है, और फिर उसके अगले दिन वो बंदा मर जाता है बाइक वाले अड्डे पर, मतलब कि लोस्ट वाले अड्डे पर, लोस्ट वाले उसको मार डालते हैं। दूसरी वाली जगह पर भाई मैं पहुंच चुका हूँ, भूत वाले घर पर कतई मजा ही उठा के रखा है। यहाँ पर रॉयल से कुछ बंदे यहाँ पर भी छुप के बैठे हो गए। पहुँच गया मेरा प्यारा लाल हेल, यह सच्ची में इनको हेल तक पीट करके आएगा, इतना खतरनाक बंदा यार, अमेजिंग लेवल। ये तो मिनी गन से मार रहा है, मेरे सच में पावर देख रहे हो इसकी, पावर तो भाई है भाई, गोलियाँ देख रहे हो कितनी ज़्यादा लग रही है इसको, आखिर किस चीज़ से बना हुआ है इसके अंदर, तो एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर है। इसके हाथ को देखते मेरे को लगता है इसके अंदर बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसके पापा ने किया होगा शायद से, बट जैसे भी हुआ जो भी हुआ बहुत तगड़ा है भाई, और मुझसे ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है इसका, मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि ये प्यारा बंदा जो है ना मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, इसने मुझे इतना बुरा मारा था जब ये आया था, बहुत ज़्यादा बुरा। निकलेंगे जो भी है जैसा भी है, अबे नमूनो इससे मत लड़ो, क्योंकि अगर इसने तुम्हें देख लिया, अरे भाई मेरे को ना देख लिया, इसने मेरी तरफ घूमा था भी है। फिलहाल ड्राइवर प्यारे भाई गाड़ी से मत निकल, हेल की नज़र पड़ गई ना मेरे ऊपर तो बुरा कर देगा ये भावनाओं बह करके। तो फिलहाल ठीक है, चलिए इसको बंदों को मार रहे दीजिए, जब यहाँ से निकलेगा तब के तब देखेंगे, पर देख के काफ़ी खुशी है कि मेरा प्लान बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने चाहा था हेल के रॉयल्स की बजवानी बच गई, अब यह डेबी को बचाने के लिए इन सभी को ख़त्म कर देगा। मेरे कुछ बंदों को फ़ोन आया भाई, फाइट को अधूरी छोड़ करके मेरे को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। बंदों ने मुझे बोला है कि ट्रेवर सर जल्दी आइए, आपको टेक्नो के बारे में बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। तो चलिए जल्दी से निकलता हूँ भाई, बंदों को मैं लगा के रखा था इस काम के लिए, तो फिलहाल निकलता हूँ। इस वाले कैमरा में कार देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, ये थर्ड व्यू आ गया भाई हमारा, आपको बताइए इससे वाला तो फर्स्ट मतलब के अंदर से आ जाएगा, ये बड़ी लगती है यहाँ पे कार, यहाँ पर थोड़ी मीडियम एंड यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा पीछे कैमरा चला जाता है। तीसरा वाला व्यू है, फोर्थ वाला है फर्स्ट पर्सन, ये वाले व्यू में कार अच्छी लगती है, ऐसा लगता है देख रहे हैं बहुत दूर कार चल रही है, तो ये वाला काफ़ी बड़ा हो जाता है। पहुँच गया भाई मैं लगभग जगह पर, मेरे को बस पीछे जाना है, पीछे ही मेरे बंदे आए हैं मुझसे मिलने के लिए। ड्राइवर भैया जल्दी से फटाफट से निकलिए, चलिए जाइए जाइए जाइए, ओके फिलहाल भाई यहीं पर है बंदे, ज़्यादातर यहीं पर आते मिलने के लिए, ये बोलते हैं ड्राइवर से सबसे सेफ जगह मिलेगी, मतलब यहाँ पर ना पिटाई का हमें डर नहीं है ज़्यादा। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, चलो जैसी अच्छी बात है, जैसे तुम लोग अच्छे लगे उतना बढ़िया है। तो आगे की तरफ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था जंगल की वजह से, थोड़ा सा आगे जाना है बस। ट्रैवर ब्रो अरे आराम से भाई साहब, गाड़ी ये तो भाई उल्टी हो जाती है, वाह अमेजिंग, दो टायर पे चल गई थी यार। चलिए ड्राइवर जी आगे बढ़ गए। तो भाई देखो इसमें FIB के बंदे, पुलिस के बंदे काफ़ी, और अलग अलग बंदे मेरी वाले बंदे भी है, कुछ मेरे प्राइवेट सिक्योरिटी के बंदे हैं, तो काफ़ी बंदे मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लाए, बातें करते हैं, देखते क्या इन्फॉर्मेशन लाए टेक्नो के बारे में, स्पेशली सिर्फ उसी के लिए यहाँ पर मिलने आए हैं। हेलो बॉयज, अच्छा बोलिए क्या इन्फॉर्मेशन है टेक्नो के बारे में, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बंदे बोला ड्राइवर सर, जिस बंदे का हमने फ्यूनल करवाया था ना उसको हमने चेक किया था मरने से पहले, रिपोर्ट आ गई है। ये बात हमने पहले आपको बताई नहीं थी, पूरी बात सुन लीजिए आप, आपने जब फ्यूनल करवाया था, भाई देखो फ्यूनल में मैं नहीं गया था, मैंने तो करवा दिया था। तो बंदे बोल रहे कि ड्राइवर सर उसकी टेस्टिंग करने से पहले, सबसे पहले ही हमें पता लग गया वो एक रोबोट है, पहला पॉइंट तो ये। चलिए भाई पहला पॉइंट ये समझ में आया, इन्होंने मेरे को कल ये बात नहीं बताई थी, आज बताइए क्योंकि आज और रिसर्च इन्होंने कर ली। तो फिलहाल भाई ये मॉडल नंबर अलग था, मतलब कि इसका मतलब टेक्नो ने अपने बहुत सारे रोबोट बना के रखे हैं, यही इसका मतलब हो सकता है, या फिर क्या बताए यही एक वो रोबोट और फिर बाद में भाग गया वो भी निकल के, पक्का कुछ नहीं कहेंगे भाई। तो इसका मतलब अगर वो रोबोट था ना तो उस टाइम वहाँ पर मरा हुआ नहीं था, वो एक ड्रामा था उसके मरने का जब मैं उसको कल लेकर के आया था, एंड मैंने तो रोबोट का फ्यूनरल कर दिया भाई, अमेजिंग लेवल। अभी तो नमूनो ये FI वाले बेवकूफ है, जब इनको पता लग गया तो एक रोबोट है तो मना कर देते ना, रोबोट को दबा के अचार डालोगे मिट्टी में, तो कैसे बंदे यार, क्यों लॉजिक नहीं लगाते सच्चे पुलिस वाले बंदे, मुझे फ़ोन तो करते तो मैं उसको लैब में भिजवाता, उसकी टेस्टिंग करवाता, बताओ उसको दबवा दिया, अब उसको निकलवाना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है क्या बताओ वही ना भाग के निकल के, जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी ना वो जिंदा है, क्या बताओ वही हो। फिलहाल भाई हेल के पास अब जल्दी से जाना पड़ेगा। तो फाइनली भाई चलिए हमारा ये टारगेट पूरा हुआ, इस एपिसोड में दी एंड हो गया है रॉयल्स का, टाइटल में वैसे लिखना चाहिए था बट फिर भी मैंने वो नहीं लिखा, क्योंकि आपको बताइए हम इस एपिसोड में मेंशन देखने वाले हैं अपना बहुत स्पेशल वाला, तो इसलिए मैंने उसी के नाम पर टाइटल रखा है इस एपिसोड का। तो फिलहाल जैसे कि आपको बताइए नहीं तो रॉयल्स भी दी एंड हो चुकी, मतलब है रॉयल्स अब आगे से आपको कभी देखने को नहीं मिलने वाली हमारे एपिसोड्स में, फाइनली हेल ने उनका दी एंड कर दिया। चलिए फटाफट से निकलता हूँ। दरअसल देखो यहाँ पर तो भूत वाले घर पर एंड उस दूसरी वाली जगह पर वो बंदे मरे थे, ये पागल है यार हेल, तो इसने बॉसेस को भी ढूंढ निकाला, एक बंकर में एक जगह पर सेफली ये बंदे सारे सारे
होंगे, छुप के बैठे होंगे। तो इसने वहीं पे घुस करके सबको भाई वहां से बाहर निकाला, सबको प्लेन में लेके गया एक रैंडम डेजर्ट जगह पर, एंड सबको वहीं पे जान से मार के जिंदा जला दिया भाई आधे बंदों को। तो रॉयल्स का तो बहुत बुरा एंड गया हेल ने। अब बंदे डैमी तो मिल गई होगी इसको, जो भी है जैसा भी है निकलता हूँ जगह पर देख के। ये नज़ारा मेरे को देखना है भाई, जगह पर पहुँच चुका हूँ। वैसे फ़ायदा पता है किस चीज़ में, गाड़ी से उतर जाते हैं अगर इसको 1% भी कार की आवाज़ आ गई ना, तो भाई पता नहीं आपको पता ही है इसके स्वैग कितने तगड़े हैं, जीने नहीं देगा, सांस नहीं लेने देगा मेरे को। तो फिलहाल भाई फाइनली हेल ने रॉयल्स का दी एंड कर दिया इस एपिसोड में भाई। 2-in-1 काम हो गया हमारे, एक बहुत बड़ी माफिया मारी गई जो सिस्टम के लिए काम करती थी, दी एंड। ऊपर से मेंशन एंड ऊपर से पता नहीं और अभी क्या होगा, अभी तो बहुत सारा मतलब कि बहुत चीज़ें बची है अभी तो एपिसोड में, देखते जैसे भी जो भी है। बट मेरा बड़ा फायदा हो गया भाई, हेल को फाइनली यूज़ करके मेरा प्लान काम कर गया। वैसे बहुत टाइम पहले बहुत सारे बंदर ने मेरे को इसी बारे में बोला था कि हेल को यूज़ करना चाहिए, देखो इससे बदला तो लेने रोकी डोई का, ड्राइवर की मोम का, चाचा का, बट इसको यूज़ करके काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, ये पावरफुल बंदा है। अब पता नहीं आगे आगे और किसको मारेगा ये, बहुत बढ़िया भाई इसको यूज़ करेंगे आगे ऐसे और भी। तो फिलहाल जैसे कि आप देख लीजिए ये थे मेन बॉसेस मेंबर जो रॉयल्स को आगे और भी चला रहे थे। बंदे तो पहले ही मर गए थे आपको बता, किंग कोबरा से लड़के 95% वो बंदे पहले ही खत्म हो गए थे। ऊपर से लास्ट एपिसोड में जब मेरे को अटैक करना सोच रहे थे मैंने मार दिया था, और इस वाले एपिसोड में इनके बचे कुचे बंदे हेल ने मार दिए ढूंढ ढूंढ के। मैंने सिर्फ आपको 2 जगह दिखाई है, बट ये बंदा 11-12 जगह पे सभी बंदों को मार के आ भी चुका है। देखो मैं जगह जगह पे यहाँ भी जाता रहता हूँ टाइम टाइम पे, तो मैंने सारी जगह नहीं देखी, बट 11-12 बेसिस पे जाके इसने पहले इसकी आर्मी को मारा, ऊपर से फिर बंकर में घुस के सभी मेंबर्स को उठाया, मेन बॉसेस को, एंड यहाँ पर इनको भी ख़त्म कर दिया। इसी के साथ साथ ये रॉयल माफिया दी एंड। चलिए बढ़िया भाई, अब हेल चाचा तुम अपने रास्ते, हाँ अपने रास्ते। चलिए जब भी भाई अब अगला काम बनाऊँगा, अगला प्लान बनाऊँगा, तो हेल को फिर से यूज़ करेंगे। देखते जैसा भी है जो भी है, देखते अगली बार किसका एंड करें। मैंने सोच के रखा है कि नेक्स्ट एपिसोड में ड्रैकुला का एंड करूंगा, मेरे को लगता है वही करते हैं भाई, क्योंकि ड्रैकुला बोल रहा है 1-2 दिन तक यहाँ पर वो अभी भी है, तो 1-2 दिन तक तो मैं काम कर सकता हूँ, क्यों ना उसके जाने से पहले मार दे। चलिए भाई नेक्स्ट एपिसोड में पूरी कोशिश है मेरी ड्रैकुला को दी एंड करना, बाकी हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है, कोई बात नहीं, क्या कह सकते भाई, यही कह सकते हैं। चलिए ड्राइवर फ्रंट से निकलिए जगह से, क्योंकि अभी मेरे को निकलना पड़ेगा। शहर में वापस आ चुका भाई, वापस आते ही मेरे पास एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आई है, तो ये न्यूज़ मुझे अजीब लगी है यार। मतलब बोल रहे हैं मेरे को लिंक है कुछ, मेरा लिंक है, मेरे हैकर से ऐसे मेरे को बोला, तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को एड्रेस सेंड कर दो फटाफट से। तो ठीक है चलिए फटाफट से पहुँचते हैं। ट्रेन का हादसा हुआ भाई, दिक्कत ये चीज़ है, अब क्या है वो, क्या चीज़ है वो मेरे को समझ नहीं आता, जाके चेक करता हूँ। आप लोगों को मिरर्स के बारे में मैंने पहले बता के रखा है, GT5 के मिरर्स जो होते हैं ये ठीक से काम नहीं करते, ऊपर आप देख रहे हो मतलब कि इनमें ना तो ट्रीज़ कैप्चर होने वाले हैं, ना काफ़ी चीज़ें, ना कार्स कैप्चर होती है, फिलहाल कार्स है नहीं, बट अगर होती तो दिखती नहीं है, सिर्फ आपको मैप दिखेगा, मैप में ट्रीज़ भी नहीं दिखेंगे। पता नहीं ऐसे क्यों, शायद से भाई ऑप्टिमाइज़ करने की वजह से सारा काम करके रखा होगा, जो भी है, बट देखते हैं जैसा भी है फ्यूचर में, बस क्या होता है GT6 में इसको सुधार दे तो बाद में देखेंगे। मैं जगह पर पहुंच चुका हूं भाई, ट्रेन से मेरा लिंक कैसे है, ट्रेन तो क्रैश हो जाती है लोस सैंटोस में, पता नहीं क्या बदतमीजी भाई, कुछ बंदे भी यहाँ पर है। फिलहाल चलिए, तो मैं GT6 के बारे में भाई बहुत बार एक चीज़ सोचते रहता हूँ, जैसे आपको पता ही है भाई लीक्स में और वैसे भी ऑफिशियल न्यूज़ तो ये पता ही है आपको, 2 कैरेक्टर्स में जैसन नाम का बंदा है एक लड़का, एंड एक लूसिया नाम की लड़की है, फर्स्ट टाइम लड़की ली है चीटी वाले बंदों ने आपके बार मेन कैरेक्टर में, आपको पता ही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई कौन से कैरेक्टर को अपना मेन प्लेयर बनाए फ्यूचर में जाकर के, जब भी कभी GT6 खेलने को मिलेगा तो जैसन को मेन प्लेयर बनाए, लूसिया को, आप बताइए आपको क्या सही लगता है। बट मेरे को लगता है भाई, मैं देखो गेम में ना कैरेक्टर को जेंडर से चेक नहीं करता कि लड़की है तो नहीं लेना, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मैं लड़की को कैसे खेलूँगा, ये तो गलत हो जाएगा। मैं इस चीज़ को कभी नहीं सोचता गेम्स में, पता क्यों, क्योंकि गेम प्ले में ये देखना चाहिए कि आपको कैरेक्टर में स्किल्स कितनी अच्छी है। अब भले चलो लड़का हो लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो सिर्फ दिखने में लड़की है, असली में कोई लड़की नहीं है, बट उसकी स्किल्स अगर तगड़ी है भाई बहुत अच्छे से, जैसे पबजी का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पबजी में क्या होता है बहुत बार लड़की से ज़्यादा अच्छा खेला जाता है, लड़की पतली होती छुप भी जाती है अच्छे से, बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर लड़की को यूज़ करते हैं खेलने के लिए। तो इसलिए गेम्स में जेंडर को अलग रख के ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस में कितना ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हो, किस में ज़्यादा दमदार चीज़ें हैं, स्किल्स है एंड पावर ज़्यादा है। अगर लड़की ज़्यादा अच्छी हुई जैसन से तो हम लड़की को मेन प्लेयर बनाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखो तीनों में से मेरे को मेरे हिसाब से ट्रेवर अच्छा लगता है, GT5 की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत से को माइकल अच्छा लगता है बट मुझे भाई ट्रेवर अच्छा लगता है, इसलिए सिर्फ ट्रेवर को मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। GTA मैंने तो 3 प्लेयर आपको बताइए, ट्रेवर तो इतना बदनाम कैरेक्टर है, बाकी आपको बताइए
बट मुझे सबसे परफेक्ट लगा पहले से GTA 5 जब से लॉन्च हुआ था ना, मेरे को ट्रेवर ही मस्त लगा क्योंकि इसके स्किल्स अलग ही है, क्योंकि बात कम करता है एक्शन ज़्यादा रहता है, इसका अलग स्वैग है तीनों में से, तो इसलिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको मतलब के मेन लिया। इसलिए अब देखते GTA 6 में किसका ज़्यादा अच्छा स्वैग होगा, किसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा तगड़ी होगी, स्किल्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, तो उसी को मेन प्लेयर बनाएंगे। गेम में जेंडर का कुछ लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ दिखावट की चीज़ें होती है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। तो पर मैंने अभी नोट किया भाई, मैं तो इनसे बात कर रहा था कि ये सब सो गए बंदे, बट ये आइटम कौन है यार, एक सेकंड भाई सच्ची में, ये डॉक्टर स्टार है ना। अबे नमूने तू यहाँ पे कैसे आया भाई, मैंने बंदे का पूरा चेक कर लिया भाई, बंदा मर चुका यार, डॉक्टर स्टार को कैसे मार दिया, तो इसका मतलब डॉक्टर स्टार था कि ट्रेन में शायद से किसी कंटेनर में बैठ के जा रहा होगा कहीं पर, जो भी है मेरे को पक्का नहीं पता, बट डॉक्टर स्टार यार ये बंदा तो मेरे काम आता मेरे फ्यूचर में, इसको किसने मार दिया यार, हद हो गई यार, इस एपिसोड में ये बंदे मर जाएगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। लो भाई दो विलन मर गए यार, हाँ तो यही विलन ये मेन बंदा था भाई, इसके चक्कर में लास्ट एपिसोड में आपको याद है ड्रैकुला वापस आया एंड मेरे को वेपन मिल गया था, आपको याद है इतना इंपॉर्टेंट बंदा है ये, इसको किसने ख़त्म कर दिया, ये तो थोड़ा सोचने की बात है। तो रॉयल्स ख़त्म हो गए, डॉक्टर स्टार ख़त्म हो गया, अमेजिंग, चलिए यहाँ से निकलते फटा। और एक सेकंड भाई ये आइटम कैसे आ गया, किसने बुलाया इसको, हेलो ड्रैकुला जी क्या हाल चाल, कैसे क्या हाल चाल, मैं भी देखो यहाँ पर फ़ोन आया था मेरे को, कैसे ये बंदे वगैरह वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं मरे पड़े हैं, कुछ बंदे खड़े थे यहाँ पर वेपन लेकर के हमला करने वाले थे मेरे ऊपर, मैंने उनको मार दिया। फिलहाल भाई आपको बताइए, जो कुछ बंदे वेपन ले खड़े थे मैंने उनको मारना शुरू किया, उन्होंने भी गोली चली तो मैंने भी खत्म कर दिया। फिलहाल फिर मैंने देखा कंटेनर में एक बंदा था, तो देखा तो डॉक्टर जी है। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ ट्रेवर, तेरे को साफ साफ मैंने बोल दिया था, अब तेरा और हमारा कुछ लेना देना नहीं, तब भी तूने ट्रेवर ये किया, तेरे को अभी भी लाना चाहिए कि तुझे भी बुख चाहिए ना, तूने सड़का बुख के लिए किया ट्रेवर, तुझे पता लगा था कि हमारा डॉक्टर यहाँ से सामान लेकर के जा रहा है, तूने इस ट्रेन को क्रैश किया पहले, उसके बाद तूने मेरे बंदों को मारा साफ साफ, मेरे कैमरास में देखा तूने बंदों को मारा ड्राइवर, कमाल करता है, फिर ऊपर से तूने डॉक्टर को मार दिया, सिर्फ किसके लिए, बुक के लिए, तूने वो किया ड्राइवर जो बहुत बुरा है, और अब तुझसे कुछ काम भी हमें नहीं लेना, तेरे को समझना चाहिए था तूने क्या किया ड्राइवर, अब ये बात मालिक के पास पहुंच गई है, अब देखना है कि वो तुम्हारा क्या फैसला करेंगे ड्राइवर, इंतजार करो तुम्हारे साथ अब जो होगा वो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि तुमने फ्री में पंगा लिया ड्राइवर, अब मुझे पता है तुम्हारी मौत निश्चित है ड्राइवर, अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुमने डॉक्टर स्टार को मारा है, बहुत बुरा किया ड्राइवर, बहुत बुरा किया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, 2-4 घंटे में तुम्हें तुम्हारी सजा दी जाएगी, या तो तुम्हें मारा जाएगा या फिर जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट तूने गलत किया ड्राइवर, बहुत गलत किया भाई, इस चीज का ब्लेम मेरे ऊपर फट गया मुझे ना यार, देखो दिमाग तो मेरे भी काफी चल रहा है, मुझे ना इसका डाउट कहीं ना कहीं हेल से आ रहा है, देखो हेल का जैसे मैंने बेवकूफ बनाया, वो हेल कभी मेरे को भी बेवकूफ से नहीं बना रहा ना, मतलब इन बंदों को कभी जान बूझ के, देखो उसको पता, उसको सब पता रहता है, उसने देखा डॉक्टर स्टार यहाँ से ट्रेन में जा रहा है कुछ सामान लेके, उसने इसको मरवा दिया, इसके बंदों को वगैरह वगैरह, कुछ बंदे यहाँ बच गए होंगे जिनको मैंने मार दिया, मुझे थोड़ी पता था यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, और डॉक्टर को मार के निकल गया, और इसको फोन कर दिया कि ड्राइवर ने तुम्हारे बंदे को मार दिया दोबारा बुक पाने के लिए, मार वगैरह वगैरह, तुम्हारे बंदों को चुपचाप मार रहा है ड्राइवर, भरोसा मत करो उसको मार दो। बहुत बढ़िया भाई, मैं उसको लगवाना चाहता था सिस्टम से, उसने मेरी लगवा दी, अरे यार ये हेल, तो ड्रैगन भैया मैं प्रूफ कर दूंगा सब कुछ मैंने नहीं किया, आप चिंता मत करो, हेल बहुत चालाक बनता है, बहुत चालाक है नमूना, मैंने सोचा था बेवकूफ़ बनते जा रहा है, देखो बेवकूफ़ बन के उसने एक काम तो अच्छा किया, रॉयल्स को मार दिया, चलिए बढ़िया हुआ, बट इसी के साथ साथ इसने यार डॉक्टर स्टार को जो मारा ये काम खराब हो गया। माइकल के घर से फोन आया है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, को गार्ड ने फोन किया है, बोल रहे ड्राइवर से जल्दी आइए यहाँ पर खतरा है, लगता है ये हेल नामक व्यक्ति नहीं मानेगा भाई, शायद तो उसने ही किया होगा सारा सारा काम, क्योंकि पक्का भरोसा है उसके ऊपर, वो जिद्दी बंदा है एंड पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। ड्राइवर भाई जल्दी फरारी को लेकर के निकल, मेरी प्यारी फरारी मेरे को बस माइकल के घर में पहुंचा दे किसी भी तरीके से। ड्राइवर तूने मेरी वाइफ को किडनैप करवाया था रॉयल्स के हाथों, अब देख सकते हो कितना दम है, बचा सकता है अपने दोस्त को तो बचा ले, अबे नमूने मेरी वाइफ को जब तूने उनके साथ किडनैप करवाया मैं तभी तेरा प्लान समझ गया था कि तू अपने दुश्मनों को मुझसे मरवाना चाहता है, पहली तरह बेवकूफ नहीं है, बट पता है मैंने उन सभी को क्यों एंड किया, क्योंकि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को उठा ले के ड्राइवर, उन्होंने मेरी बीवी को किडनैप किया और लेकर के चले गए, भले ही तेरा प्लान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनकी हिम्मत इतनी कैसे हो गई, इसलिए पहले उनका एंड किया और अब तेरा नंबर है ड्राइवर,
खत्म कर दूंगा सभी को। ये हेल तो बड़ा ही लेवल पागल है यार। इसका मतलब स्टार्टिंग से मेरे प्लान के बारे में जानता था, बट तब भी इसने रॉयल्स को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इसकी वाइफ को उठाया। बेचारों की तो रॉयल से तो गलती थी नहीं, उनको तो मैंने बेवकूफ बनाया, बट उसने तब भी उनको मारा क्योंकि उन्होंने उसको किडनैप किया डैडी को। ओ भाई अरे बड़ा पागल है यार सच्ची है, जानबूझ के मारा, अगड़ा सो गया दो भी। चलिए भाई फिलहाल अब ये पागल हो गया, अभी अब उससे बदला लेगा, उल्टा ही काम कर रहा है, लगता है प्लान फेल हो गया। भाई मैं तो सोचा था एपिसोड विलन्स मारूंगा, बट ये बंदे को तो पहले से सारी बातें बताया, अब इसको बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करें कुछ और तरीके से करें। ड्राइवर ब्रो घर पर निकल, माइकल के पहुंच चुका हूँ माइकल के घर पर, बंदे मेरे बहुत मारने शुरू कर दिए, जल्दी 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 माइकल के घर पर, लगता है मेरा प्यारा लाडला भाई। ड्राइवर भैया जी जल्दी ख़त्म करो जल्दी, यार एक तो ढंगों के सरदार इतने सारे बच्चे आते भाई ना इससे नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बॉम जल्दी से बाहर आ जा, जल्दी परफेक्ट परफेक्ट एंड, ये लो ब्रो जल्दी खा लो, देखा बॉम जो होता है ना जल्दी से सारा काम कर देगा। ओके ज़्यादा दूर गिर गया, इधर ले फटाफट से चल 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 पास में आ जाओ भाई, आप लोग ग्रुप में आ जाओगे तो जल्दी मर जाओगे, क्योंकि नहीं तो एक एक करके भाई बंदों के ऊपर बॉम डालना पड़ता है, थोड़ा टाइम जाता है, बट बंदा अगर ग्रुप में खड़े होते तो बहुत जल्दी से हम उनको एंड कर सकते हैं, ये परफेक्ट काम होता है। जल्दी ये ले यार, एक तो स्टिक बॉम से पावरफुल कोई चीज़ देनी चाहिए जीटी से बंदे के पास में, तो बड़ा भाई बॉम डाले तो दूर तक डैमेज जाए। और भाई एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा GT6 वाले बंदों को, प्लीज़ भाइयों कुछ ऐसा करो कि गाड़ी से हम लोग बड़ा वेपन यूज़ कर सके, कुछ तो तरीका निकाल लो उस चीज़ का। कमाल ही कर दिया हेल ने, मेरे हैकर से फ़ोन करके बोला कि ट्रेवर सर घर में मत ढूंढिए, ऊपर आसमान में प्लेन देखिए, बंदे भी इसको यहाँ से किडनैप करके एयरपोर्ट ले गए थे, एयरपोर्ट पे उसको बांध दिया प्लेन के आगे एंड उसको ले करके जा रहे हैं, अब टक्कर मारने वाले हैं उसके सामने से। माइकल की मौत इतनी बुरी होगी आपने सोची नहीं होगी, मैंने सोच ली भाई, मेरे को पता है जब प्लेन के सामने बंद किया अगर प्लेन को सामने से टक्कर मारी जाए तो बॉडी में से हड्डी भी नहीं मिलने वाली जल्दी से, इतना बुरा ब्लास्ट होने वाला है। जल्दी 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 सभी का चूरा बन जाएगा ना, आगे बढ़। बहुत बढ़िया भाई, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादा स्लिप करती है, मैं इसको ज़्यादा भगाने की कोशिश करूँगा तो स्लिप बहुत ज़्यादा करेगी एंड मैं टाइम पे माइकल को सेव नहीं कर पाऊँगा, मेरे को पता चल गया। मेरी प्यारी फरारी प्लीज़ दोस्ती का सवाल है, आराम से चला ले, आराम से चला, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके फिर को हाईवे से लेना पड़ेगा, इधर से ले लेता हूँ शॉर्टकट है, मेन हाईवे पर पहुँच जाता हूँ, फिर देखते हैं कि कहाँ पर आकर ये ट्रेन जाने वाला है। जल्दी 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 यार, देखो 300 तो भगानी पड़ती है और 300 जाते इस गाड़ी का बैलेंस होता है बहुत बुरा, सबसे अच्छा बैलेंस ना बगी का होता है एंड एक दो कार का और है जो बहुत अच्छी भागती है, BMW बहुत अच्छी भागती है भाई, उसका बैलेंस बिल्कुल ख़राब नहीं होता। भाई प्लेन दिखाई नहीं दे रहा यार मेरे को, अरे प्यारे भाई प्लेन किधर निकल गया, ओके बोरा दिख गया मेरे को, दिख गया जल्दी जल्दी। बट भाई देखो मैंने ऑपरेशन तो मंगाई है, बट प्रॉब्लम पता है किस चीज़ में है, मैंने जूते ही मंगाए हैं ताकि मैं से चिपक जाऊँ, बट प्रॉब्लम वही है कि मैं कैसे बचा पाऊँगा इसको जूतों से भी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लेन के आगे बता हुआ है, ऊपर से प्लेन भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि मैं देखो इसको फॉलो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास ऑपरेशन एंड जूते आएंगे 5-7 मिनट तो लगेगी आने में और इतने में तो क्रैश ही हो जाएगा, ये मैं दिक्कत में फंस गया बहुत ज़्यादा। अब देखते भाई अब माइकल की किस्मत, मेरा प्यारा माइकल लाल बचेगा नहीं बचेगा, अब वो तो उसके हवाले कर दिया मैंने। ओके तो फिलहाल भाई दिख नहीं रहा मेरे को प्लेन ड्राइवर ब्रो, प्लेन कहाँ गया, गई का टक्कर, अरे नहीं भाई एक सेकंड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो धुआं मेरे को दिखा था थोड़ा सा, तो धुएं के डायरेक्शन में निकलते हैं, धुआं इस तरफ आकर के बंद हुआ है तो आसपास भी क्रैश हो गया तो प्लेन। ड्राइवर ज़रा चेक कर भाई, देखो मेरे को जंगल को पूरा चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ पे कुछ पड़ा भी हुआ है, हाँ भाई यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये पायलट तो नहीं है जो कूद गया है, आगे बढ़ ड्राइवर आगे बढ़, इसके अलावा आसपास प्लेन भी होगा। माइकल मेरे लाल कहीं पर है क्या, भाई देखो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है एंड घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ है तो एकदम से क्लियर भी, देखो मेरे को भी दिख गया। कैसे ही मैं थोड़ा आगे आया प्लेन के, माइकल नहीं रहा भाई, प्लेन का फ्रंट वाला एरिया ये एंड टक्कर की वजह से देखो प्लेन तो ब्लास्ट है ही पूरा का पूरा एंड माइकल भैया भी जल गए, आग इतनी ज़्यादा लग के रखे कि जब तक फायर वाले बंदे आएंगे, और आ भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं ना, मरे हुए बंदे को वापस तो नहीं ला सकते ना। हेल ने क्या कर दिया ये नमूने ने, हेल को मैं बहुत तोड़ने वाला हूँ भाई, बहुत ज़्यादा तोड़ने वाला हूँ। ड्राइवर ब्रो क्या करे यार, क्या ना करे, इस एपिसोड में इतने बंदे बनेंगे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। माइकल भी यार कैसे कैसे काम चले गए, फायर वालों को तो बुलाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आग फैलती जा रही है, ऐसे तो पूरे जंगल में आग फैल जाएगी। जल्दी फ़ोन करता हूँ मेरे प्यारे लालो, आओ जल्दी से यार क्योंकि मेरे दोस्त चल गए यहाँ पर। मेरे पास फ़ोन आया है एकदम से फटाफट से, माइकल तो देखो नहीं रहा भाई, यहाँ पर रोने से तो कुछ नहीं होने वाला, मैंने बोल दिया है फायर वाले बंदों को, बाकी हॉस्पिटल वाले बंदों को तोड़ पाएंगे, एम्बुलेंस लेकर के इसको जाएंगे, मचने वाला तो नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ज़्यादा देर से आग लग के रखी है, बचेगा तो नहीं।
और देखते जो भी है। खबर ये आई है कि प्यारे प्यारे हेल्थ के बंदे आर्मी वाले कुछ लोग ऊपर अटैक करने वाले, पता नहीं क्यों। ये मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि डैब भी कुछ करवाना चाह रही होगी ज़रूर, ड्रग्स में कुछ आ रहा होगा। हेल बेटे तूने बहुत बुरे काम कर दिए, इसी को मिला करके हेल ने अब मेरी फैमिली के मेंबर को मार दिया। पहुंच चुका हूँ आर्मी बेस पर, तो फिलहाल यही वो ट्रक्स है भाई जिनमें कुछ सामान जा रहा है, जिनको लूटने के लिए हेल के कुछ देर में बंदे आने वाले हैं। आने ना बंदों को, मैंने बोल जैसे बंदों को आर्मी वाले को कि तुम लोग चलते रहना, कोई कितने ही बड़ा अटैक करे तुम लोग ट्रक्स को मत रोकना, मैं सबको संभाल दूंगा। इसको बताऊंगा कि आखिर नेता कैसे बनते हैं। चलिए फिलहाल भाई देखते जैसे भी होगा। बड़ी कमाल की रिफ्लेक्शन आ रही है भाई फरारी के ऊपर, अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर सही से क्वालिटी आ रही होगी यूट्यूब पर, तो भाई यहाँ पर रिफ्लेक्शन इतनी अमेजिंग आ रही है, बहुत तगड़ी। गाड़ी का पूरे के पूरे टेंट पड़ चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब पेंट भी लगभग बहुत ज़्यादा जगह से पेंट भी छूट चुका है, बट रिफ्लेक्शंस तो एक नंबर आ रही है, अमेजिंग। तो ठीक है चलिए भाई वेट करते हैं, देखते हेल्प कितनी देर में पहुँच गए। यहाँ पर काफ़ी सारी कार्स में बंदे आए हैं भाई, पीछे आ गए फाइनली भर भर के अटैक करने के लिए। आर्मी वाले बंदों को मैंने बोल दिया तुम लोग चिंता मत करना, इनको मैं देख लूंगा। तो फिलहाल ये बंदे ही मेरे को देख रहे, ड्राइवर भी यहीं पर है। कहाँ जा रहा है भाई नमूने, कहाँ जा रहा है? इधर रुक, जरा इधर रुक फटाफट से, तुम्हें तो मैं सीधा करूंगा। एक काम करता हूँ ट्रक्स को जाने दो, मैं जरा मिनी गन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे बंदों को मैं सीधा कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये बंदे भाई पहुंचे ट्रक्स को खत्म करने के लिए तो बहुत सारा काम पूरा हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये लो ब्रो आ जाओ आर्मी वाले, चलो 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 ब्रो, टैंक वो चलाना है यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत होगी, तेरा टैंक फट जाएगा। बंदों को मैं देख लूंगा सभी को, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये ले चाचा जल्दी हो कि फिलहाल भाई ये खत्म। हेल के बंदे हो ना, हेल में ही जाने वाले हो, उससे हेल में मिलना, फिर वो भी आएगा तुम्हारे पीछे पीछे। तो चलिए फटाफट से भाई, अभी जरा दिक्कत ये है ना, उसके बंदे आए अब और नहीं आ रहे या नहीं आ रहे देखना मेरे को, क्योंकि टैंक वाला बंदा हो गया काफ़ी परेशान। रुक जाओ ब्रो रुक जाओ, गाड़ी के ऊपर चढ़ा के निकले हो क्या? अमेजिंग लेवल भाई, बैग तकड़ा है बंदे का भाई, अटक गया तेरा टैंक, कोशिश कर निकालने की इसको। दो ही बंदे बचे हुए फाइनली, एंड ये भी खत्म। जल्दी 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 ड्राइवर पीछे से उठा करके मार देते हो। ओके यार कितना ज़्यादा पावर है यार तुम लोगों में, इतनी गोलियां मारी तब भी नहीं मर रहे, पड़े पड़े भी कमाल है यार। तो लगता है फाइनली मैंने सब बंदे खत्म कर दिए, जितने मैप पे थे मैंने वो तो खत्म कर दिए। फिर टैंक अटक गया, थोड़ी देर में निकल जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी मैं आगे पीछे जाकर के एक और राउंड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट क्या है, इनको बचाना एंड बंदों को मारना। आराम से पहुंचो भाई रास्ता साफ करके, जरा मैं आगे पीछे एक बार और चेक कर लेता हूँ। ड्राइवर की प्यारी गाड़ी ने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है, हाँ सुबह सुबह गाड़ी स्मोकिंग करती है, इसको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, अगर ऐसी हो तो भाई कितना अच्छा होगा। पीछे से कोई बंदा नहीं आ रहा लगभग, तो फरारी भाई मेरे को रिपेयर करवानी पड़ेगी। एक काम करते डैनी के पास निकलते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं, क्योंकि दिन का टाइम हो जाएगा, तब तक रिपेयर हो जाएगी गाड़ी, दो घंटे में कार ठीक हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ क्या होता है, कब कब बुला लें टैंक के लिए, इसलिए मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब कि रिपेयर करवा लेता हूँ एंड प्रिपेयर रहता हूँ, अलर्ट नहीं। चलिए जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे भाई जल्दी प्यार, ठीक है भाई सब कुछ सही हो चुका है, रास्ते से निकल गए ट्रक वाले बंदे, एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो सब परफेक्ट। हेल के कुछ बंदे और मिले हैं, चलिए फटाफट से उनको भी सीधा कर देता हूँ मैं चाहता हूँ। अब हेल तू तो जाने वाला है अमेजिंग लेवल से। चलिए ड्राइवरों आगे निकलिए फटाफट से, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, अब देखना है कैसे सारा सारा काम होगा। मेरा प्यारा प्यारा माइकल, मेरा लाल, बस क्या बोले यार, बड़े बुरे बुरे काम चलते हैं। वैसे आपको एक आइडिया बताऊँ, मतलब कि एक सस्पेंस बताऊँ, वैसे आप सोच ही होंगे माइकल नहीं मरेगा, बट ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं मरेगा, जब ड्राइवर भी मरेगा तो फिर तो माइकल भी मर ही जाएगा कभी ना कभी। देखो वो ड्राइवर का जो फ्यूचर बताया था उसने गलत नहीं बताया भाई, मैं आपको बताऊंगा कौन सा एपिसोड वो होगा जब ड्राइवर मरेगा, तो उस एपिसोड को कोशिश करना, मिस ना करना। वैसे मिस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ड्राइवर मरती सीरीज ही खत्म हो जाएगी, तो पॉइंट करने की ये बात है ड्राइवर सच्ची है मरने वाला है, बस काश यार कोशिश ये है मेरी कि इसको बचा लूँ किसी तरीके से। बाकी गॉड ऑफ फ्यूचर ने बोला कोई तरीका नहीं है, बट क्या होता कोई तरीका मिल जाए, क्योंकि जब तक बाप अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी। देखते जाते माइकल आज नहीं मरा समझते हो, बट माइकल फ्यूचर में भी मरेगा और माइकल भी मरेगा, इतना तो मेरे को पक्का बताया। जल्दी ड्राइवर ब्रो निकल गया, आज क्यों नहीं मरा क्योंकि मेरे को पहले से पता लग गया था भाई इस चीज़ के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ, सस्पेंस को जरूरत नहीं है, हेल को नहीं पता, बट हेल सोच रहा है सच्चे असली माइकल मार दिया, बट मुझे ही तो पता है। फिलहाल जैसे ही मेरे पास भाई मैं वहाँ से निकला, तो मैं मतलब जब आपको मैं वो चीज़ बताता हूँ, जब हेल ने उन सभी रॉयल वाले बंदों को टेस्ट मारा था वहाँ पे चला के लग रहा था उन बंदों को, तो तभी मेरे पास फ़ोन आया कि ड्राइवर सर माइकल सर के घर पे बहुत सारे बंदे नज़र रख रहे हैं पता नहीं क्यों। तो मैंने तुरंत बोला माइकल को पतली गली से निकाल के ले जाओ, वहाँ पे नकली बंदा छोड़ दो, माइकल ऐसे दिखने वाला बंदा एक नकली। तो फिलहाल भाई वो जो रसाना बंदा और रोबोट था, तो फिलहाल बंदे सच्ची में घर में घुसे, माइकल को ले गए पकड़ गए फटाफट से, बेचारे को हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे रोबोट को कुछ भी, रोबोट ने कुछ नहीं किया, रोबोट सीधे उनके साथ गया, प्लेन में लटका बंदा एंड उसमें बॉडी में आग लग गई। देखो आग तो लगी जाएगी क्योंकि बॉडी तो थी, कपड़े तो थे, स्किन तो थी। तो फिलहाल पॉइंट क्या है, अपने हेल ने एक नकली माइकल को मारा जिसको मैंने सेटअप अच्छा और टाइम पर कर दिया, नहीं तो सच्ची और रियल माइकल मर जाता, और सोचता है कि उसने माइकल मार दिया।
अब ये जो मैं एक्शन कर रहा हूँ ना, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ एकदम जल्दी से ताकि हेल को चक ना हो बिल्कुल। पूरे 4 घंटे बाद भाई मैं जगह पर पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोले थे भाई, क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। मैं सीधा बैनी के पास पहुंचा, बैनी ने 3 घंटे खर्च के, 3-3.5 घंटे एंड टोटल 3-4 घंटे में टोटल मैं यहाँ पर पहुंच गया, 4 घंटे मतलब। तो चलिए अब बंदों को ढूंढते हैं। देखो भाई नई कार तो नहीं लगती है, मतलब कि फ्रेश एकदम, जहाँ से डेंट था उसको सही करवाया, पेंट दोबारा करा, सूखा भी नहीं होगा, बट पॉइंट क्या है, अमेजिंग लग रही है। खैर भाई नई कार बिना स्क्रैच के तो अलग ही लेवल है, अब भंगार कार तो अलग ही दिखी है। तो फिलहाल जो भी है चलिए कार को छोड़िए, पैसा बहुत अच्छा है, बस कार तो चाहे 100 बार टूट जाए भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइवर आराम से रिपेयर करा लेगा। आगे बढ़ते हैं, तो फिलहाल भाई यहीं पर इन्फॉर्मेशन रहती है, यहीं पर अपने प्यारे कुछ बंदे बैठे हैं। ओके लो सही बात है, आर्मी वाले बन के बैठे हुए हैं, इतना दम आया। अबे नमूनो, तो इनको यार देखो ज़्यादा वेपन खर्च नहीं करते इन बंदों के ऊपर। एलियन गन, मेरी चाची एलियन गन पड़ी, अमेजिंग। क्योंकि टाइम नहीं है यार, छोटे छोटे बंदों को छोटी छोटी गन से मारूंगा तो एक जगह भी 5-5, 10-10 मिनट खर्च हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है। एपिसोड वैसे भी काफ़ी लंबा होते जा रहा है, मतलब कि काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं हर एक फाइट में 15-15 मिनट खर्च करूँगा या 10-10 मिनट, तो बहुत लंबा हो जाएगा। चल मेरे प्यारे लाल, ठीक है चलिए भाई मैंने लगभग सारे बंदे ख़त्म कर दिए, निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं हेल का रिएक्शन क्या होगा। अभी तो हेल यही समझ रहा है कि ट्रेवर बहुत गुस्से में माइकल के मरने की वजह से, उसको शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए थोड़ा एक्शन तो दिखाना ही पड़ेगा। चलिए सारा काम हो गया, निकलो। तो फाइनली भाई अभी देखो हेल की कोई लोकेशन नहीं आ रही एंड ना बाकी और चीज़ें, ड्रैकुला ने भी अभी फ़ोन नहीं किया मेरे को क्योंकि उसका डॉक्टर मर गया, कुछ ना कुछ तो वो भी बोलेगा। ये चीज़ यार गलत हो गई, देखो ये मेरा प्लान नहीं था, ये मेरे साथ ऐसा हेल कर देगा ये बड़ा बुरा हुआ। तो अभी देखो आपको पता ही है भाई किस चीज़ का टाइटल मैंने रखा है, तो चलिए उसका टाइम आ चुका है दिखाने का, क्योंकि मेरे पास मेरे बंदों का फ़ोन आया है। देखो सैंपल अभी थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है, प्रोजेक्ट जो बन रहा है, चलिए फटाफट से निकलता हूँ घर पर एंड जा करके मैं आपको दिखाता हूँ तुरंत जगह, अमेजिंग जगह है वो। देखो लॉस सैंटोस में ऐसी जगह मेरे को कहीं नहीं मिली थी, इसलिए मेरे को अपना मेंशन मजूरी पानी पर बनवाना पड़ा, क्योंकि यार लॉस सैंटोस में जगह है ही नहीं इतनी खाली, हर जगह बिल्डिंग बनी पड़ी है, फिर तो बिल्डिंग बनवानी पड़ती चढ़ से, एक इतनी जगह नहीं बच रही जितना बड़ा वो घर है, इतनी बड़ी जगह खाली कहीं पर भी नहीं लॉस सैंटोस में, कहीं पर भी। पहाड़ों के बीच में जाने से मेरे को मज़ा नहीं आता बनाने में, डेजर्ट वाले एरिया में क्या फ़ायदा मेंशन बनाने से, इसलिए मैंने सोचा पानी बनाते हैं स्पेशल, बढ़िया रहेगा। निकलता हूँ जगह पर, मज़े वाला मेंशन है भाई। फिलहाल थोड़ा बहुत तो रेडी हो चुका है दिखाने लायक, मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं दिखाया कि तब वो थोड़ा रेडी नहीं था, अच्छा नहीं लगता दिखने में, बट अभी काफ़ी काम खिंच गया है, थोड़ा अच्छा हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है, तो मैं भी आपको उसको दिखा सकता हूँ। नहीं तो मैं एपिसोड का शुरू होती आपको उसको दिखाया था, बट तब तक साफ़ सफाई नहीं थी, चारों तरफ पत्थर टूटे पड़े थे, बहुत दिक्कत थी, बट अब परफेक्ट है, निकलते हैं। मैं बोर्ड को यूज़ करके पहुंच चुका हूं, तो कैसा लगा भाई मेंशन तो बताना ज़रूर कमेंट करके। तो मैंने अब की बार सोचा था कि छोटे मोटे मेंशन बहुत देख लिए, अब की बार ऐसा मेंशन बनाएंगे कि मज़ा सही आ जाएगा। ये इतने पे ही ख़त्म नहीं होता, इसके साइड में भी और 2-4 बिल्डिंगें बनने वाली है भाई। मैंने आपको पहले ही बोला बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ये, अभी आपको कंप्लीट देखने को नहीं मिलेगा भाई, इसके अंदर कुछ भी तैयार नहीं है ज़्यादा से, बाहर से ही मैंने आपको मॉडल दिखाया बनवा करके। तो पॉइंट क्या है, मैंने ये इमेजिन किया है अपना घर, अब आप बताइए कैसा लगा। फिलहाल इसको बनने में कम से कम भाई देखो 2-3 महीने आराम से खिंच जाएंगे, रियल बता रहा हूँ मैं, गेम के महीने नहीं बता रहा, कम से कम 2 महीने में जा करके हमारा ये मॉडल पूरा कंप्लीट होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा ये मेंशन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्योंकि अगर इसके बीच में लड़ाई आ गई डार्क किंग की या फिर किसी और चीज़ की, तो फिर ये मेंशन कभी नहीं बनेगा, मैं आपको यही बता देता हूँ। ये मेंशन तभी कंप्लीट हो पाएगा अगर किसी माफिया ने मेरे को परेशानी ना करी और ट्रेवर जिंदा रहा तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो भाई बस मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, ट्रेवर का जो प्रोजेक्ट है ये ऐसे ही रह जाएगा। कोशिश तो मैंने की है, बट भाई देखो वो कहते हैं ना, अब ज़रूरी नहीं कि आप सोचो कोई चीज़ और आपने शुरू भी करके रखी हो कि वो पूरी हो जाए, बहुत बार लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा ना हो पाए, बट कोशिश है मेरी कि कोई दिक्कत ना हो और ये अपना ड्रीम वाला प्रोजेक्ट जो है ये पूरा हो जाए। मैंने पहले से सोचा था कि ट्रेवर जब माफिया बनेगा ऐसा मेंशन बनाऊंगा, ऐसा मेंशन बनाऊंगा, किसी के पूरी दुनिया में नहीं होगा ऐसा मेंशन। ये घर है भाई पूरा और इसमें इतने रूम्स है कि भाई पूरी आर्मी यहीं पे सेट कर सकता हूँ मैं अपनी, अमेजिंग लेवल से। अभी फिलहाल ब्रिज बनेगा भाई यहाँ पर कुछ दिन बाद, ब्रिज तो जल्दी बन जाएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ से सीधा वहाँ तक ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा बीच तक एंड सीधा सामने है मिलिट्री बेस। मैंने सोचा था बेस्ट एरिया यही है, आर्मी बेस के सामने मेरा मेंशन।
तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया भाई, ऊपर छत पर चलते हैं, ऊपर से दिखाता हूँ मैं। मैंने आपको बोल दिया इंटीरियर में कुछ भी डिज़ाइन नहीं होकर रखा अभी, क्योंकि इसको बनने में कम से कम 2 महीने जाएंगे बड़े प्यार से, क्योंकि बहुत टाइम लेने वाला प्रोजेक्ट है ये, कोई रातों रात इसको नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है, इसलिए इसके लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा भाई। बट मैंने इसको काफ़ी टाइम लगा करके आपको मैंने फाइनली मॉडल दिखा दिया, मतलब एक आइडिया आपको दिखा दिया कि ट्रेवर का वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मैंशन कैसा होने वाला है अगर सब सही रात हो। कंफर्म मत है भाई, मतलब कि भाई कंफर्म बिल्कुल नहीं मानना आप इसको कि सच्ची में बनी जाएगा, क्योंकि मेरे हालात को देख के बाद आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोलोगे ट्रेवर भाई मतलब कि मेंशन क्यों नहीं बना अभी तक आपने दिखाया नहीं। डार्क किंग है हमारी ज़िंदगी में, और वो जब तक रहेगा तब तक क्या पता हमारी लाइफ सही चलेगी या नहीं चलेगी, कुछ पक्का नहीं कह सकते भाई, क्योंकि इसको बनाने के लिए पैसा बहुत चाहिए, और ऊपर से ना तो दुश्मन होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन बंदा मिसाइल डलवा दे, काम ख़त्म। इसलिए भाई रिस्क है देखो, इसलिए मेरे को चांसेस तो यही लग रहे हैं 95% तक ये नहीं बन पाएगा, 5% चांसेस के बनने के बस बस। काश यार दिक्कत ना हो, मज़ा आ जाएगा यार, क्योंकि मैं उस मेंशन में रह रहे के बोर हो गया पुराने वाले पर, सोने वाला जो घर है ना, अब मज़ा नहीं आता मुझे उसको वहाँ पर रहने में, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ, बट ये दुश्मन शिफ्ट होने देंगे तभी तो शिफ्ट होंगे ना मेंशन के। भाई मैं एक ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच चुका हूँ भाई, एक तो इतना बड़ा मेंशन है यार, सच्ची में क्या ही बोलूँ मैं, फिलहाल अमेजिंग लेवल है। क्रेन्स भी देखो ऊपर ऊपर तक लगानी पड़ रही है इसके भाई, ऐसे टावर खड़े करने के लिए बहुत टाइम खर्च हुआ है। इसकी चोटी पर निकले देखो, चोटी पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, ऊपर से मंगानी पड़ेगी मेरे को, या फिर कुछ और सिस्टम करना पड़ेगा रस्सी वगैरह का जो भी है, बट चढ़ते हैं फिर भाई, दिखाना तो आपको वहीं से पड़ेगा। पहुँचता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो ऑपरेसर को लैंड करता हूँ मैं नहीं पाऊंगा ऊपर, तो रस्सी का यूज़ करके ऊपर निकल, जितना मैक्सिमम भाई मैं आ सकता था मैं इतना आ गया, पूरी चोटी पे चढ़ने का सेटअप है नहीं अभी, वो चीज़ बनाई नहीं गई है मेरे बंदों ने, अभी सीढ़ी नहीं बनाई मेरे बंदे, बोल रहे ट्रेवल सर ना तो वहाँ पर आप ऑपरेसर लैंड करा सकते हो एंड ना वहाँ पर कोई चीज़ रस्सी वगैरह जाएगी, क्योंकि नहीं तो चोटी आपके हाथ में आ जाएगी और टूट जाएगी। ट्रेवल सर ऐसे ही अभी आराम से उसको बनाया है, उसमें ज़्यादा चीज़ें मजबूती नहीं करी गई। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया भाइयों, अब हाइट देख रहे हो मैं ऊपर क्यों आया, मैं आपको अपने घर की हाइट दिखाना चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा हाइट है कि माउंट चढ़ के बराबर ना हो जाए इसको, थोड़ा और मैं देखता हूँ भाई कैसे भी हो, हाइट ज़्यादा ऊंची रखेंगे तो मज़ा आएगा और भी देखने में। फाइनली फिर मैंने ऊपर से जंप लगा दिए, आराम से निकलते हैं। देखो इसको कहते हैं घर की ऊंचाई, कि पैराशूट भी आराम से लैंड आपको करा दे ऊपर से जाकर के पूरा नीचे तक। तो चलिए बताइएगा आप इसको कैसा लगा, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, मैं आपको पहले और बता दूं जो मैंने चीज़ सोच के रखी है इस मेंशन में, और क्या क्या अपग्रेड होगा। इंटीरियर तो अलग डिज़ाइन हो गई, वो तो आपको देख कर दिल खुश हो ही जाएगा, मस्त लगेगा एकदम एंटीक वाला रूम। तो ये इतना नहीं है भाई, सामने और फ्लोर जाएगा, उसके बाद में ऐसा ही सेम एक और मेंशन साइड में भी जाएगा। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाना सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा छोटा लग रहा है अभी, बट वैसे मुझे ही लग रहा है, आपको छोटा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपने पहली बार देखा है, बट मैं इसको रोज़ देखता हूँ बनता रहता है ये, तो मुझे छोटा लगने लग गया अभी ये। देखते इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करें, थोड़ा और बड़ा बनाएं, वो बाद में देखेंगे। बट मैंने आपको फिर से बोला ये प्रोजेक्ट भाई खतरे में है, बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है, बट अगर बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी आप कमेंट्स करके बताना क्या चेंजेस होने चाहिए एंड मेंशन कैसा लगा। इंटीरियर अभी रेडी नहीं है तो वो आप देख नहीं पाओगे, बाकी मैंने फ्रंट का आपको दिखा दिया है। चलिए ड्राइवरों निकलिए, ये भी रेडी नहीं था भाई, इतने पत्थर थे यहाँ पे आसपास, चीज़ें लगा के रखी थी, कपड़े लटके हुए थे, बहुत बुरा हाल था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको नहीं दिखाया था। यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आया हूँ, नहीं तो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था आपको इसको, क्योंकि इसमें दिखाने में कुछ है ही नहीं अभी ज़्यादा चीज़ें, सिर्फ एक मॉडल है। एक्सटीरियर पूरा बन चुका है, इंटीरियर बन जाएगा, बट इंटीरियर में जाएगा बहुत टाइम। मैं फिलहाल भाई अपने मेंशन वाले घर से आ गया था, तो भाई बताना ज़रूर कैसा था। अच्छा था ना, मतलब बिल्कुल रॉयल लुक वाला बना दिया, ऐसा फैला के रखा हुआ है मतलब मेंशन को, मज़ा ही आ जाएगा, और पूरा ट्रेवर रहेगा उसमें अकेला। फिलहाल बाकी बाद में आर्मी भी रख लूँगा, बट भाई मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया मेरे को उसको देख करके। प्रोजेक्ट ये बहुत दिन से चला हुआ है भाई, मैंने बताया आपको इसको 2-3 दिन पहले ही था, क्योंकि पहले से बताता तो क्या पता बनता नहीं बनता, बट इतना तो बन गया ना, अब क्या पता पूरा भी बन जाए, देखी जाएगी। बाकी भाई डार्क किंग का कोई भरोसा नहीं है यार, क्योंकि मुझे पता है डार्क किंग की हरकतें, बहुत खतरनाक बंदा है भाई, वो 500 साल से ऐसे जीते आ रहा है, वो बंदा मेरे को चैन से नहीं रहने देगा, और जब वो आएगा तब वो पता नहीं क्या होगा। ऊपर से लगता है सिस्टम से लड़ाई भी होने वाली है। पीडीएम पर मैं पहुंच चुका हूँ यार, मुझे तो याद है पीडीएम पर तो एक बंकर भी निकला था बहुत टाइम पहले। आखिर पीडीएम के नीचे बंदों ने क्या क्या बना के रखा है, बंकर ही बना के रखा है, गैरेज भी है, भाई क्या बनाना चाहते हो पीडीएम के नीचे क्या है। पुलिस वाले बंदो अमेजिंग, तो फिलहाल खोद निकाला बंदों ने, तो यहाँ पर 1 वोल्ट है, लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे 2 वोल्ट निकले थे शायद से, मेरे को पक्का याद है, बट जो भी है जैसा भी भाई बंदे ने मेहनत की है। इन्होंने बोला यहाँ पे बंकर है, मतलब बंकर मतलब गैरेज है, बट अभी तक गए नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है, देखते अंदर है क्या। तो ये जगह छुपा के रखी थी उस बंदे ने,
पीडीएम काफी दिन से बंद पड़ा है भाई, हमने चेक ही नहीं करा यहाँ पे सारी चीजें आकर के। मैं अंदर की तरफ पहुंच चुका हूँ, उल्टा सीधा काम चल रहा है भाई। तो इस पीडीएम के नीचे जो गैरेज है ना, ड्राइवर के दूसरे चाचा को बांध के रखा है यहाँ पर। नहीं 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 भाई, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता प्यारे चाचा जी, आराम से। ये बॉम्ब लगे हुए ना, ये किस टाइप के बॉम्ब है, आपको खोलने तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। हेल है क्या यहाँ पर, कब से बंद के रखे हो, मेरे को फोन तो कर देते ना, मेरे को तो पता नहीं आपके बारे में, मैंने सोचा बाहर गए हुए हो। फिलहाल यार बड़ा दिक्कत हो गया, आप आराम से शांति से काम लो। पहुंच गया ड्राइवर गैरेज में। अरे रे रे रे, तूने क्यों सोचा पुलिस शहर की इतनी समझदार हो गई है। अबे मैंने ही तो इनको खबर दी थी कि तेरे वहां पर तेरे को बुलाए, मेरा ये गैरेज खोदे, बोल्ट मिले, तू अंदर जाए और अपने इस चाचा को मरते हुए देखे। क्या करे ड्राइवर, मेरे को तेरी फैमिली अच्छी नहीं लगती, इसलिए इनको ऊपर भेजना मेरा ही काम है। ड्राइवर तेरे पास 2-3 मिनट बची है, जो कर सकता है कर ले, बट हाँ कोशिश मत करना रस्सी खोलने की, नहीं तो चाचा के साथ तू ही फट जाएगा रे। तेरे को एक बात बताऊं, इनको ओपन करने के लिए तेरे को तेरे घर पे जाना पड़ेगा, वहीं पर इनका एक रिमोट रखा है, उस रिमोट को ला करके अगर तू अपने चाचा के पास प्रेस करेगा तो तेरे चाचा बच जाएगा। और सिर्फ 3 मिनट ड्राइवर, तू 3 मिनट में घर पे जाके कैसे वापस आ सकता है ड्राइवर भाई साहब? 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में कैसे इम्पॉसिबल है चीज, नहीं हो पाएगा, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। घर पे रिमोट है तो 3 मिनट में नहीं आ पा, नहीं आ जा नहीं सकता। चाचा कुछ तरीका होगा, कुछ तो होगा, प्लीज मेरे को बताओ कैसे इसको डिफ्यूज कर सके। आप बहुत समझदार रह चुके हो, ये हेल्प पागल हो के रखा है, या फिर मैं जाके घर से रिमोट लेके आता हूँ। क्या बता, झूठ बोल रहा हूँ, मैं जाता हूँ चाचा, ठीक है? ड्राइवर कहीं मत जा, उसने झूठ नहीं बोला फोन पर, वो सच बोल रहा है। उससे दूर हट जा ड्राइवर, थोड़ा पीछे रह बेटे, मैं जल्दी से मरने वाला हूँ, 1 ही मिनट में बॉम्ब फट जाएंगे, अब मैं नहीं बचूंगा, प्लीज तू पीछे हट। और याद रखना तेरे चाचा तेरे को हमेशा प्यार करते थे, बहुत दुख है ड्राइवर के तेरे पहले चाचा वो भी मर गए, और अब मैं भी तेरे को छोड़ करके जा रहा हूँ, तेरे को अकेला छोड़ के जा रहे हम दोनों, बहुत दुख है ड्राइवर। सच्ची में तू हमारे भाई का प्यारा बेटा था, मेरे को बड़ी याद आएगी ड्राइवर तेरी ऊपर, प्लीज अपना ख्याल रखना, एंड दुश्मन को जिंदा मत छोड़ना ड्राइवर, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, चिंता मत करो मैं लेकर के आता हूँ सारी चीजें फटाफट से। अरे यार सही बोला था इसका, मतलब टाइमर के बारे में मैं चला गया था, मतलब जाने वाला था, मैं लेकर के आने वाला था अपने रिमोट को, बट कोई फायदा नहीं होता भाई रिमोट को लाने ले जाने का। बहुत बंदे मर गए इस एपिसोड में यार, बड़ा काम खराब चल रहा है भाई साहब, ये तो सेटअप नहीं था मेरा। मानता हूँ माइकल को तो मैंने बचा लिया कुछ ना कुछ करके, बट चाचा के बारे में मैंने सोचा ही नहीं यार, चाचा तो सच्ची ही मारे गए, इसके बारे में कोई मेरा प्लान नहीं है, बड़ा बुरा हुआ भाई साहब। हेल्थ तेरे को मैं ख़त्म कर दूंगा नमूने। ड्राइवर के दोनों चाचों को मार दिया यार, मिस्टर फिलिप्स भी एंड मॉर्फियस चाचा, क्या पागल हो गया ये बंदा, इतने इंस्टेंट थोड़ी करते है कोई काम, हर एपिसोड में एक फैमिली मेंबर को मार रहा है यार, बड़ा बुरा कर दिया। इस एपिसोड में तो बहुत बंदे मर गए, रॉयल्स का दी एंड हो गया, डॉक्टर स्टार मर गया, माइकल नहीं मरा, माइकल उसके लिए मरा है, बट मेरे चाचा भी नहीं रहे यार, सब बुरा हो गया, सब बुरा हो गया। हेल सामने आ जाए तेरे को ख़त्म कर दूंगा मैं, इतना बुरा मारूंगा मिनीगन से भाई, इतना बुरा मारूंगा, बट वो मरता नहीं है नमूनों का सरदार ठीक तरीके से, उसकी कमी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी कि आखिर क्या उसमें कमियां हैं, कैसे उसको मारा जा सकता है। मैंने बंदों को फ़ोन कर दिया है, बहुत उदास है यार ड्राइवर, बहुत ज़्यादा उदास है बेचारा, बहुत रोने का मन है, बट इसको एकदम से बंदों के पास निकलना है और कुछ बंदों को और इन्फॉर्मेशन आई है। अब हो गया भाई ड्राइवर पूरा पागल, अब तो बताएं ड्राइवर क्या से क्या करे अगले एपिसोड में, तो बताएं ड्राइवर क्या कर देगा, क्योंकि भाई अब तो काउंटिंग कमी नहीं हो रही, 6 बंदे मर गए टोटल फैमिली के। माइकल को मैंने 6 पे गिना था, बट माइकल मरा नहीं है, तो इसलिए 6 के 6 रहेंगे, बट उसके लिए 7 है। चलिए मेरे प्यारे ड्राइवर यहाँ से निकलो, हेल हेल हेल, तू क्या करके रहेगा आखिर, कौन है तू, मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है फ्री में यार? देखो जो हो गया सो हो गया, मैंने थोड़ी किया इसके साथ कुछ भी, फ्री में इतिहास को खराब, मतलब वो कहते हैं ना अगर ट्रेवर के पापा ने कुछ करा भी है तो नमूने, तो यहाँ पे क्यों आया मुँह उठा करके। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, मेरे प्यारे प्यारे हसमुख, अगर तू जीना चाहता है तो बंदे को ढूंढ दे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, मैं उसको नहीं मैं तुझे मारूंगा भाई। मुझे चाहिए हेल या डेबी, किसी को एक को तो ढूंढ के लेकर के आ जा तू, बस बाकी मैं देख लूंगा। डेबी तो गई भाई, हमारी फैमिली फैमिली उसकी फैमिली बहुत बढ़िया, मतलब हमारी फैमिली कोई वैल्यू नहीं है, अब मरेगी डेबी भी। अभी तक सोचा नहीं था क्योंकि फ्रेंड थी मेरी, हमने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया था, 5-7 महीने से वो फ्रेंड थी मेरी, फैमिली की मेंबर बन गई थी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था, वो हमारे घर भी आई बहुत बार पार्टीज़ में, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी।
बट अब वो बॉन्डिंग की वजह से मैंने उसको छोड़ के रखा था, बट अब नहीं बचेगी। हसमुख बेटे पैसे में नहला दूंगा तेरे को, तोल दूंगा सोने में, अब बंदे को लेकर के आ जा। हसमुख बोल रहा है, ट्रेवर सर चिंता ना कीजिए, आप देखिए मैं करता क्या हूँ। मैंने बोला ठीक है बेटे, नहीं तो तू जाएगा उसकी जगह। तो चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से जल्दी से जगह पर निकलते हैं। अब इस वक्त हम लोग जाने वाले हैं एक जगह पर हेल के बंदों को ख़त्म करने के लिए। यार इस एपिसोड में बहुत चीज़ें ऐसी हो गई जो मेरे प्लान में बिल्कुल नहीं थी। देखो यार तो मेरा प्लान भी काम करा, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई जो बिल्कुल प्लान में नहीं थी। पहुँच चुका हुआ है जगह पर, मेरे बंदे भी आ गए हैं, अब आएगा मज़ा। एलियन गन ज़रा बाहर आ, ज़रा बाहर आ, क्योंकि इस वक्त ना जो कर दिया बंदों ने वो नहीं करना चाहिए था। अब कर दिया तो इसकी सज़ा तो इनको मिलने वाली है, एंड ड्राइवर जब सज़ा देगा तो आपको पता ही है स्पेशली देने वाला है। पहले नमूने ओके मिस हो गई, या वहाँ तक रेंज काम ही नहीं करी। नहीं भाई वहाँ तक तो काम करेगी, मेरी गोली मिस ही हो गई है। पहले ड्राइवर बैठे, हाँ देखो वहाँ तक रेंज काम करती है बट मेरी गोली मिस हो गई थी। ड्राइवर भैया जी पहले बैठे आया मज़ा। तो चलिए भाई टैंक तो बोल रहा होगा कि ड्राइवर सर सब पे गोली मारी, मेरे पे चार पाँच गोली मार दी, कौन सा जन्म का बदला ले रहे हो। मैंने बोला भाई दुश्मन पार्टी का टैंक है ना, तेरे को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ के बंदे मरे नहीं मरे, नहीं मरे होंगे तो अभी मर जाएंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। खैर बाबा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो 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 चलो। हेल को छुपने की जगह नहीं रहेगी भाई, लोस सैंटोस में ऐसा कर दूंगा मैं इसको, मैं ऐसा कर दूंगा इसको, बहुत बुरी हालत में कर दूंगा मैं। चल ड्राइवर बेटे आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे लाल, कैसे परेशान हो। आ रहा है ड्राइवर, बच गए। एलियन तुम्हारे पर असर नहीं करी, कोई बात नहीं पास में आएंगे तब तो असर करेगी ना भाई, मैं काफ़ी पास आ चुका हूँ, अभी तो गोली की आवाज़ तो आ रही है। ओके एक बंदा आया, पहले मेरे भाई गोली खा एंड सो जा। यार कमाल है यार, किसी किसी को तो असर करती है, किसी को 2 रुपए का असर नहीं करती है एलियन गन। मैंने बहुत सारे बंदों को काम ख़त्म किया, मेरे को निकलना पड़ेगा, 2-4 बंदे हैं जो मेरी आर्मी उनको देख लेगी, निकलना इसलिए पड़ेगा। मैंने आपको बताया था मेरे को दिक्कत पड़ गई ड्रैकुला वाली, अब ड्रैकुला फालतू बोला तो मैं उसको भी तोड़ डालूंगा, क्योंकि गुस्सा इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्राइवर के चाचा एक और मर गए यार, ब्लड वाला रिश्ता था बिल्कुल। बुला रहा है मेरे को ड्रैकुला वापस से माउंट वाले बेस पर ही, बोल रहा है ड्राइवर आजा मिलना है तुझसे। मैंने बोला आ रहा हूँ भाई, आ करके ड्रैकुला से बात कर ली है, मुँह तो इतना बड़ा फाड़ा है इसने, अब क्या ही बोलूँ, इतना बड़ा मुँह कौन खोलता है भाई। मुझे बोलता है ट्रेवर, डॉक्टर स्टार एक साइंटिस्ट थे जो हमारे लिए अलग अलग तरीके की चीज़ बनाया करते थे, तो एक तरीके से वो हमारे बिजनेस वाले बंदे थे, पैसे कमाते थे हमारे लिए, और अब पैसे का हो गया नुकसान क्योंकि तुमने उन्हें मार दिया, तुमने हमें भुक दिया इसलिए तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए डार्क किंग जी तुमसे ज़्यादा गुस्सा नहीं है। उन्होंने बस बोला कि तुम ट्रेवर हमारा नुकसान भरते रहो और अपनी ज़िंदगी जीते जाओ। एक साल में वो बंदा इनको $100 trillion कमा करके देता था, ऐसे इसने बोला। अब ये बोल रहा है कि हर साल मैं इनको $100 trillion दूंगा तो ज़िंदा रह सकता हूँ, नहीं तो मर जाएगा। बोल रहा है कि पेमेंट तुम्हें 2 दिन में देनी पड़ेगी, इस साल की 100 trillion 2 दिन में, अगले साल की फिर डेट जब होगी तो आती रहेगी। भाई साहब एक साल में $100 trillion, थोड़ा बोल रहा मुँह तो खोला नहीं ना। अरे मेरे भाई ये कोई बात होती है मतलब 100 trillion चाहिए तेरे को तो बाद में देख लूँगा मैं, अभी वैसे ही मूड ख़राब है, इससे उल्टा सीधा हो जाएगा और मैं लड़ना नहीं चाहता। 100 trillion मतलब वो कमा के देता था इनको डॉक्टर, अब वो मर गया तो कौन कमाएगा, तो मुझसे पैसा लेगा हर साल। बहुत बढ़िया, एक बार ये पता लग जाए हेल कहाँ पर है, डेबी कहाँ पर है। ये कौन था भाई हेल का पापा, मेरे को बात समझ नहीं आ रही, जो इसके चक्कर में इतना रायता फैला है। मेरे को तो नाम भी नहीं पता बंदे का, कौन है यार बंदा आखिर, जिसके साथ क्या कर दिया रोबोट ने, जो मेरी लाइफ में बंदा शनि बन के बैठा हुआ है। कुछ तो है, इसकी हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी यार, और भी डिटेल में पता करते हैं। मैंने पता लगा लिया है मालिक के वो कौन है, वो ड्रैगन का बेटा है हेल, वो ही ड्राइवर की सभी फैमिली को मार रहा है। मालिक मैं तो कहता हूँ उससे हाथ मिला लो, आपका फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा मालिक।